हाँ जी नमस्कार सभी को। अब अपन हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। हिंदी का पेपर क्वेश्चन नंबर एक, अत का विलोम शब्द क्या होगा? अत का विलोम शब्द क्या होगा? अत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अत का विलोम होगा इति। अत का विलोम होगा इति। अत का विलोम होगा इति। उर्मी और लहरी, उर्मी और वीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? उर्मी और वीची, तो उर्मी और वीची लहर के पर्यायवाची हैं। उर्मी और वीची लहर के पर्यायवाची हैं। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो इसका सही अर्थ होगा बहुत चतुर होना। अगला, जलावृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका वर्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं, बेकार आदमी व्यर्थ में काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है? थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे, छठे का सी। किस विकल्प में इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है दो दर्जन। अगला, सरकार जनता में सरकार का पतन नेताओं से अलग अलग मत होने से हुआ, वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा होगा? तो सही मुहावरा होगा डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। अगला क्वेश्चन, मैं संध्या के समय नृत्य खेलने जाता हूं, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो इसमें गलत होगा के समय, नाइन्थ का ए। निम्नलिखित में से मुहावरों को उनके अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्पों को चुने। करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द कौन सा है? तो वो है देख रहा है। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो पिनाकी और चंद्रमौली है महादेव का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नश्वर का विलोम है, नश्वर का विलोम क्या होगा? नश्वर का विलोम होगा शाश्वत। नश्वर का विलोम होगा शाश्वत। उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? सारे देश में। पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा जंगल। करेक्ट आंसर होगा जंगल। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त शब्द विलोम शब्द की पहचान करिए। संयुक्त का विलोम क्या होगा? संयुक्त का विलोम होता है वियुक्त। संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध होगा इसमें मां बच्चा दोनों ही गायब हो गए। मां बच्चा दोनों ही गायब हो गए। 18वां क्वेश्चन, कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सही सुमेलित है? नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो वह है साक्षर का अक्षर। अगला, 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है, प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है, वो है
परिमाणवाचक, वो है परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है, सॉरी 21वां क्वेश्चन, ऐसे वन जो पहाड़ों की ढाल पर उगते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का बी, 22 का, 22 का करेक्ट आंसर होगा बी, 22 का करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो उपाय है बताओ, आप बताओ फटाफट कौन सा उपाय है। वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक ढेर ना बनने देना, ठीक है, नेक्स्ट। 24वें का करेक्ट आंसर होगा दावानल और 25वें का करेक्ट आंसर है यह ग्रंथ विद्वता से भरा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। और आज अपन बात करेंगे अपने जो भी पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी वाला, अपने 2018 जेई वाला, उसी को लेके अपने, और अपन डिस्कस करेंगे अपने इंग्लिश पे, ठीक है जी। जो कि पेपर मैंने देखा था आपका बहुत ही सिंपल सा है, अपने इतना हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है जी, जिसमें से अपने वो के भी पूछी गई है, एरर के क्वेश्चन भी है अपने, और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी है। दो पैसेज दिए हैं तब तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है अपने ये, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट तो बहुत सिंपल होता है ना अपने, ठीक है जी। तो आइए अपन इसी पर डिस्कस करते हैं अपने, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो अपने क्वेश्चन पर बात करें अपन, 26, तो 25 क्वेश्चन आए अपने इसमें, हाँ जी। तो बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की अपने, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 26 है अपने, तो इसमें दे रखा है अपने आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड मिक्सचर, ठीक है जी। तो मिक्सचर यानी क्या होता है अपने, मिक्सचर होता है अपने उस चीज को मिलाना, जोड़ने का काम करता है अपने। तो अब इसका अपोजिट क्या बनेगा अपने, एंटोनिम पूछा है, अपोजिट वर्ड देखना है अपने इसका, तो इसका अपोजिट क्या होगा अपने, उन चीजों को अलग अलग कर देना अपने। तो इसका अपना जो आंसर होगा वो क्या आएगा अपना, सेपरेशन, अलग अलग कर देना उन चीजों को। तो फर्स्ट वन 26 क्वेश्चन नंबर है अपने, मिक्सचर का अपोजिट देखना है, तो अपोजिट क्या होगा इसका, सेपरेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर, तो ये अपने एरर वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से है। द सेफ्टी मैकेनिज्म फेल एंड द बिल्डिंग कैच द फायर, अब देखो जो पूरा एक्शन है, पूरा काम है अपने किसमें हुआ है, पास्ट में, सेकंड फॉर्म आ रखी है अपने, ठीक है जी। अब इसी के साथ में देखो जरा कि यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये भी सेंटेंस किसमें होना चाहिए था अपने, पास्ट में होना चाहिए। तो कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है अपने, कॉट। तो यहाँ पे जो एरर है वो कौन से पार्ट में आएगी अपने, डी पार्ट में, कैच द फायर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा अपने 28, चूज द सेंटेंस विच हैज बीन करेक्टली पंक्चुएटेड, तो देखो अब यहाँ पे अपने चार सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें जो करेक्टली पंक्चुएटेड है वो देखना है अपने, ठीक है जी। तो ये जो साइन वगैरह होते हैं, इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो अपने को पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो अपने, द वुमन बॉट मैनी वेजिटेबल्स, अब ये दिखाता है अपने वेराइटी उसकी, कि क्या क्या चीज़ खरीदी है, तो ये किसके लिए आता है, वेराइटी दिखाने के लिए आता है अपने, और कोमा होता है अपने अलग अलग को जोड़ने के लिए, ठीक है जी। और ये वाला होता है दो अलग अलग क्लोजेज, इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, क्लोज होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस के क्लोज होते हैं अपने, उसको जोड़ने का काम करते हैं अपने, और ये होता है वेराइटी दिखाने का काम करता है अपने, ठीक है। सेमी कॉलम बोलते हैं तो पता है सभी को, कोमा होता है, ठीक है जी। तो देखो जरा ये तो अपने तब आता है जब उस क्या होता है अपने, दो अलग अलग क्लोज जोड़ने होते हैं, जो कि आ ही नहीं सकता इसके साथ, तो क्योंकि वो वेराइटी दिखा रहा है कि मैंने वेजिटेबल्स में ये वाली चीज़ें थी अपने, ये भी नहीं हो सकता, कोमा आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है आगे, ठीक है जी। और इसमें तो एंड के साथ में भी कोमा लगा रखा है, जबकि कोमा का खुद का मतलब होता है जोड़ना, तो एंड तो अपन सबसे लास्ट वाले के साथ लगाते हैं, ठीक है जी।
तो ये भी नहीं हो सकता अपने। और यहाँ पे सेंटेंस को ख़त्म कर दिया तो आगे वाला फिर से सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि फुल स्टॉप से क्या होता है सेंटेंस एंड हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिर्फ एक ये जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, अच्छा वाला है, वो कौन सा अपने फर्स्ट वन, द वुमन बॉट मैनी वेजिटेबल्स ब्रिंजल्स पटेटोज टमेटोज एंड कुकुम्बर्स। तो ये तो डिनोट करता है अपने किसको, वेराइटी को, और जो कोमा है वो उसके साथ में जोड़ने का काम करता हो जाएगा अपने। तो अपना इसमें जो आंसर होगा 28 में वो कौन सा होगा, ए फर्स्ट वन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जरा। हाँ जी, अब नेक्स्ट वन अपने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पैसेज। अब देखो आप लोग क्या करते हो पैसेज में, पहले पैसेज पढ़ते हो, फिर क्वेश्चंस पढ़ते हो, फिर वापस से पैसेज पढ़ते हो। तो पैसेज सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो आप। पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि पैसेज में किस चीज़ पे ध्यान देना है अपने। ठीक, ओनली क्वेश्चंस पढ़ दें, उनके आंसर नहीं। जैसे फर्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, द डिस्कवरी ऑफ द अर्थ कोर वॉज ए रिजल्ट ऑफ स्टडीज बाई। तो सबसे पहले देखना कि जो अर्थ की कोर है उसकी डिस्कवरी कौन सी, किसकी वजह से हुई है। नेक्स्ट अपने देखना है फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, द वर्ड सिस्मोलॉजी वॉज कॉइंड बाई, ये वर्ड किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, द फर्स्ट नॉन सिस्मोस्कोप वॉज डिजाइन बाई, किसने डिजाइन किया था। चूज द सेंटेंस विच हैज बीन करेक्टली पंक्चुएटेड। अच्छा चलो ठीक है, अपने पैसेज के तो अच्छा एक क्वेश्चन हो रह गया अपने, ये वाला, ये भी इसका नहीं है। पैसेज के अपने सिर्फ दो तीन क्वेश्चन है अपने। ठीक है जी, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ जरा। हाँ जी, तो पहले अपन देखते हैं पैसेज अपने, रीड द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्कॉलरली इंटरेस्ट इन अर्थक्वेक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंटीक्विटी। अब स्कॉलरली यानी क्या होता है, अच्छे तरीके से इंटरेस्ट होता है, किसी में रुचि होती है उसके लिए अपने। इन अर्थक्वेक्स कैन बी ट्रेस्ड, वो देखा जा सकता है किसमें अपने, बैक टू एंटीक्विटी, प्राचीन टाइम में जो पहले से इसकी शुरुआत हुई थी। तो एंटीक्विटी होता है किसके लिए, प्राचीन टाइम के लिए आते, पुराने के लिए। इन 132 सी जेंग हैंग ऑफ चाइनाज हैन डायनेस्टी डिजाइन बाय द फर्स्ट नोन सेस्मोस्कोप। तो इन्होंने जो एक क्वेश्चन आया था अभी, किसने डिजाइन किया था सबसे पहले। ठीक है जी, तो किसने किया था देखो जरा, जेंग हैंग ने। ठीक है जी, तो इसका ध्यान रखना आपने। द लिस्बन अर्थक्वेक ऑफ 1755 कोइंसिडिंग विद द जनरल फ्लावरिंग ऑफ, इसका मतलब होता है शुरुआत करना, किसी चीज को प्रारंभ करना उसके लिए आता है। तो जो फ्लावरिंग ऑफ साइंस का मतलब होता है वो साइंस की शुरुआत है अर्थक्वेक को लेकर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जैसे फूल खिलता है अपने, ठीक है जी, तो वो एक दिन में नहीं बनता है, उसको टाइम लगता है धीरे धीरे। तो ये उसके लिए यूज़ किया गया, ये क्या अपने फ्रेज टाइप से यूज़ करते हैं, मेटाफर होता है वो। इन यूरोप सेट इन मोशन इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड होता है बहुत जल्दी तीव्रता से कोई काम बढ़ाना। साइंटिफिक अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड कॉज़ ऑफ अर्थक्वेक्स। तो देखो जरा, तो जो लिस्बन अर्थक्वेक आया था 1755 में, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो साइंस है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया गया, और ज़्यादा उनमें इच्छा जग गई ये चेक करने की कैसे आ सकता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है अर्थक्वेक को अपने। ठीक है जी, कि उसको बिहेवियर क्या है, कॉजन, ठीक है जी, क्या कारण है उस चीज़ का अपने। फ्रॉम 1857 रॉबर्ट मैलेट लेड द फाउंडेशन, लेन यानी होता है रखना, उसे की सेकेंड फॉर्म है लेड, द फाउंडेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सिस्मोलॉजी। तो इंस्ट्रूमेंटल सिस्मोलॉजी की फाउंडेशन इसने रखी थी, ये भी ध्यान में रखना नाम अपने। एंड कैरिड आउट सिस्मोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग एक्सप्लोसिव, और इसने वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे कैसे आइडेंटिफाई करना है। ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कोइनिंग द वर्ड सिस्मोलॉजी, तो इसी पर्सन ने ये वाला वर्ड दिया था। ठीक है जी, सिस्मोलॉजी हैज रिवील्ड मच अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कोर। तो सिस्मोलॉजी ने क्या बताया अपने, रिवील यानी होता है प्रकट करना, सामने लाना, अर्थ कोर मेंटल एंड क्रस्ट, कि अर्थ की कोर क्या है, वो किस किस से बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी लेयर है, उसके बारे में बताया अपने को इसका। द इंग्लिश सिस्मोलॉजिस्ट रिचर्ड डिक्सन ओल्ड होम्स स्टडीज ऑफ अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स इन 1906, आगे कटा हुआ है क्या है, कोई नहीं, फ्रॉम 1906 लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द अर्थ कोर। अब देखो ये क्वेश्चन आया था अपने, एक डिस्कवरी ऑफ द अर्थ कोर, ये कहाँ से हुआ था अपने। ठीक है जी, तो ये किसने किया था, द इंग्लिश सिस्मोलॉजिस्ट रिचर्ड डिक्सन ओल्ड होम्स। ठीक है जी, इसकी स्टडी से आया था ये वाला वर्ड, तो इसका ध्यान में रखना अपने आगे। From studies of the Croatian quake of October 8, 1909, ठीक है जी, the geophysicist Andrija Mohorovicic discovered the discontinuity. Discover का मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले से मौजूद थी, उसके बाद में उसको खोजा गया है। एक अपन वर्ड यूज़ करते हैं invent,
इन्वेंट होता है वो चीज़ जो पहले कभी थी नहीं, उसके बाद में उसको खोजा गया है, और डिस्कवर जो चीज़ पहले से थी उसके बाद में उसको खोजा गया है, उसके लिए यूज़ करते हैं। द डिसकंटिन्यूटी ऑफन कॉल द मोव, हाँ जो डिसकंटिन्यूटी होती है, जो रेगुलर नहीं आते, अर्थक्वेक रुक रुक के आते हैं, ये उसके लिए यूज़ किया गया है। दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम द अंडरलाइंग मेंटल, ठीक है, जो क्रस्ट है उसको किससे सेपरेट करता है, उसके मेंटल से। टुडे देर आर मोर देन 1000 सिस्मोग्राफ स्टेशंस अराउंड द वर्ल्ड एंड दैट डेटा आर यूज्ड टू कंपाइल सिस्मिसिटी मैप्स। तो वो एक अपने जैसे कार्डियो वगैरह होता है, तो हार्ट बीट होती है वो अपने ऊपर नीचे होती है ना, इसी से पता चलता है कि अर्थक्वेक आएगा वो कितने रिक्टर स्केल पे आएगा, सिस्मोग्राफ से मापते हैं अपन, वो यूज करते हैं उसके लिए। तो अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है अपने। द डिस्कवरी ऑफ द अर्थ स्कोर वॉज ए रिजल्ट ऑफ स्टडीज बाई, अब इनमें से देखना है कि जो डिस्कवरी अर्थ स्कोर की वो किसकी वजह से हुई। तो अभी अपने एक यहाँ पर आया था, देखो द इंग्लिश सेस्मोलॉजिस्ट रिचर्ड डिक्सन ओल्ड होम्स स्टडीज ऑफ अर्थ क्वेक रिकॉर्ड्स इन 1906 लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द अर्थ स्कोर, ये क्वेश्चन पूछा है अपने। द डिस्कवरी ऑफ अर्थ स्कोर वॉज ए रिजल्ट ऑफ स्टडीज बाई, किसकी स्टडी की थी, रिचर्ड डिक्सन ओल्ड होम की। तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें 29 में, डी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, द वर्ल्ड सिस्मोलॉजी वॉज कॉइन बाई, ये सिस्मोलॉजी वर्ड है ये किसने कॉइन किया था वो देखना है अपने। तो देखो जरा इसमें अभी अपने आया था एक, हाँ ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉइनिंग द वर्ड सिस्मोलॉजी। अब इसके ऊपर देखो जरा क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम 1857 रॉबर्ट मेलेट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सिस्मोलॉजी एंड कैरीड आउट सिस्मोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट यूजिंग एक्सप्लोसिव, ही इज ऑल्सो, तो ये ही किसके लिए आया, रॉबर्ट मेलेट के लिए। और क्वेश्चन अपना क्या था, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा अपने, हाँ थर्ड नंबर, द वर्ड सिस्मोलॉजी वॉज कॉइन बाय, किसने किया था, रॉबर्ट मेलेट ने। तो इसमें अपना 30th में आंसर क्या आएगा अपना, सी। द फर्स्ट नोन सिस्मोस्कोप वॉज डिजाइन बाय, अब जो फर्स्ट नोन सिस्मोस्कोप है वो डिजाइन किसने किया था। तो देखो जब सेंटेंस अपने स्टार्ट हुआ था तब अपने एक चीज देखी थी अपने, ये लाइन सबसे पहले आई थी अपने, ठीक है जी। अब देखो जरा ये रहा 132 सी जेन हैंग ऑफ चाइनाज हैंड एन डायनेस्टी डिजाइन द फर्स्ट नोन सिस्मोस्कोप। तो ये क्वेश्चन पूछा कि जो फर्स्ट नोन सिस्मोस्कोप है वो किसने डिजाइन किया था, हैंचेंग ऑफ चाइनाज हैंड डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के इस पर्सन ने किया था। तो अपना जो आंसर है वो देखो क्या है, ये रहा द फर्स्ट नोन सिस्मोस्कोप वॉज डिजाइन बाई, किसने किया गया था अपने, जेंग हैंग ने, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 32, चूज द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड इडियम यूज इन द गिवन सेंटेंस, ही डिड ऑल द फॉर्मेलिटीज क्विकली एंड डिडंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट एज ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी इमीजिएटली, ठीक है जी। अब देखो एक तो प्रोनंसिएशन का अपने आजकल क्या होता है, कई इसको इमीडिएटली बोलते हैं कई इमीजिएटली बोलते हैं, तो आजकल क्या प्रोनंसिएशन का थोड़ा ट्रेंड वो चेंज हो गया है, जैसे एजुकेशन को एडुकेशन बोलने लग गए, कलिक को कुलिक बोलने लग गए, तो ऐसा वो आजकल थोड़ा मॉडर्न जमाना है, इसका प्रोनंसिएशन इमीजिएटली होता है डायरेक्टनेस चीज का, ठीक है। तो देखो जरा लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट का मतलब क्या होता है, अब जैसे मैंने पैर रखे है घास पे तो उसकी क्या है बहुत स्लो हो जाएगा वो बढ़ना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को धीरे धीरे करना। तो अपना जो आंसर है वो आएगा अपने देखो जरा, डू द वर्क स्लोली, ठीक है जी। तो आंसर क्या आएगा अपना, ए। तो उन्होंने सिर्फ idiom phrase का मीनिंग पूछा है, पूरा सेंटेंस का नहीं पूछा, ध्यान रखना, ठीक है। यदि पूरा सेंटेंस का पूछते तो मीनिंग अलग होता, तो वो idiom phrase को क्या करते हैं कि कई बार तो सेंटेंस में अपोजिट तरीके से लिख के रखते हैं, यहाँ पे निगेटिव में लिखा हुआ है तो अपन क्या सोचेंगे उसका आंसर पॉजिटिव कराएंगे। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट का मतलब होता है कोई चीज धीरे धीरे होना, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हेस्टन इन डूइंग द वर्क, हेस्टन यहाँ तो जल्दी करना, ठीक है जी। तो वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ idiom phrase का मीनिंग पूछा है, पूरे सेंटेंस का नहीं पूछा है। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डू द वर्क स्लोली, कोई काम धीरे धीरे करना, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर था अपने 32। अब देखिए 33, चूज द सेंटेंस विच हैज बीन करेक्टली पंक्चुएटेड, अब जो करेक्टली पंक्चुएटेड वो कौन सा इनमें से। देखो जरा ये भी आपको बताया था, ये वेराइटी के लिए आता है जो कि अपने कोई काम का नहीं है यहाँ पे।
तो देखो जरा, वी स्टेड इन जैसलमेर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश. तो जैसलमेर राजस्थान में है, इंदौर मध्य प्रदेश में. इसका मतलब तो हो जाएगी सारी जगह हो जाएगी. जबकि वो कहना चाह रहा है कि जैसलमेर जो कि राजस्थान में था, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में था, वो इनमें गए थे. तो अब वो क्या कि इसको क्लोज कर रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं इसको. तो बांटने के लिए अपन यूज करते हैं सेमी कोलन, ये वाला. तो जैसलमेर है, ये तो किससे रिलेटेड हो गया, राजस्थान से. ठीक है, ये क्लोज अलग हो गया इसका. इंदौर है वो किससे, मध्य प्रदेश से. सूरपुर किससे, कर्नाटका से. बिफोर गोइंग टू डेली, तो जो सेमी कोलन है ये सेपरेट करने का काम करते हैं. ठीक है जी, तो अपना जो आंसर आएगा इसमें कौन सा आएगा, सी. नेक्स्ट देखो जरा, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड रीगर्जिएटेड. हाँ जी, इसका मतलब होता है कोई चीज वापस से बाहर निकालना. जैसे अपन कौन सा सिनोनिम पूछा है अपने, तो क्या आएगा इसका, वोमिट. वोमिट कर देना, बाहर निकालना. ठीक है जी, उल्टी करना, वो तो पता ही होगा सभी को अपने. यदि वो इसका अपोजिट पूछते तो क्या आता, स्वेल होता. ठीक है, निगलना. नेक्स्ट अपने 35, फिल द इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. एग्जाम्स टूडे फॉर द डिग्री स्टूडेंट्स. अब देखो एग्जाम्स है प्लूरल, तो वब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल. तो बिगिन तो प्लूरल फॉर्म है. यदि ऐसे ये जोड़ दिया इसमें तो क्या हो जाएगा, गलत अपने सिंगुलर बन जाएगी वो तो. जबकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. आईएनजी फॉर्म कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती. इससे पहले ऐसा क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब. तो ये वैसे नहीं हो सकता. अब दो ऑप्शन बचे, एक तो बिगिन और एक बिगेन. ये सेकेंड फॉर्म है अपने. तो अब देखो सेंटेंस क्या है कि आज से अपन जैसे बोलते हैं कि आज से ये काम शुरू होता है अपने. ठीक है जी, इस तरीके से बोलते हैं अपने. तो वो किस में जाएगा अपने, प्रेजेंट इंडेफिनेट में. तो क्या आएगा यहाँ पे, बिगिन. एग्जाम्स बिगिन टूडे. एक चीज़ और इसमें, जैसे मान लो कि कोई चीज़ है जो आप शाम को बता रहे हो, लेकिन वो उसी दिन का है, सुबह का है. ठीक है जी, तो जैसे अपन बोले आई मेट हिम टूडे मॉर्निंग, या फिर टूडे मॉर्निंग भी गलत हो जाता है अपने. क्या बोलेंगे अपन, दिस मॉर्निंग. ठीक है जी, तो आप ये बात बता रहे हो शाम को, लेकिन है उसी दिन की. लेकिन शाम के लिए तो वो सुबह वाला एक्शन क्या हो जाएगा, पास्ट का. ठीक है, तो इसमें क्या है कि बिगेन भी हो सकता है एक तरीके से देखा जाए तो. लेकिन अपने को तो उस तरीके पे नहीं जाना, अपने को तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाना है. प्रेजेंट इंडेफिनेट को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या आएगा यहां पे, बिगिन. नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड बिनाइन. यानी होता है जो किसी का भला करता हो, लाभ करता हो, उसके लिए यूज करता है अपने, हित करने के लिए. ठीक है, दयालु होता है उसके लिए आता है. तो इसका पूछा है इन्होंने सिनोनिम, तो सिनोनिम आएगा अपना फेवरेबल. जो किसी का भला करता है उसके लिए यूज करते हैं अपन फेवरेबल, दयालु. ठीक है, नेक्स्ट अपने, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द वंस गिवन बिलो. अब यहां पे जो करेक्ट वाला है वो देखना है अपने. ठीक है जी, तो देखो जरा करेक्ट कौन सा इनमें से. माय फ्रेंड बॉट ब्लू स्क्वायर ह्यूज एंटिक डायमंड इयररिंग्स. तो देखो पहली बात, तो जिसके दो भाग होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, चश्मा है इसका पेयर होता है. ए पेयर ऑफ शूज, तो जिसके दो भाग होते हैं उसका पेयर होता है, मैं ध्यान रखना इस चीज़ का. ठीक है जी, तो इनमें देखो जरा पेयर वाला कौन कौन सा है अपने. पेयर वाला पूरे में सिर्फ एक ही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है तुमने. तो क्या बनेगा, माई फ्रेंड बॉट ए पेयर ऑफ ह्यूज स्क्वायर एंटिक ब्लू डायमंड इयररिंग्स. ठीक है जी, तो इसमें देखो एडजेक्टिव दे रखे हैं अपने बहुत सारे. तो जो एडजेक्टिव होते हैं इनका एक सिक्वेंस होता है, उसे बोलते हैं ओ एस ए एस सी ओ एम पी. ओपिनियन, साइज, एज, फिर आता सेप उसका आकार. ठीक है जी, सी से कलर, ओ से उसका ओरिजिन, एम से मटेरियल और पी से पर्पज. तो देखो जरा ओ एस ए एस सी ओ एम पी, सबसे पहले उसके बारे में ओपिनियन कि वो कैसा है, फिर साइज, फिर एज, फिर सेप, फिर कलर, फिर मटेरियल और फिर पर्पज. कलर के बाद ओरिजिन भी आता है उसका. ठीक है जी, तो वो अपना सीक्वेंस बनता है. जो सीक्वेंस है वो भी एकदम फिट बैठ रहा है इसमें. देखो जरा कैसे, सबसे पहले मैं बात करें ह्यूज, ये तो क्या है, साइज. स्क्वायर उसका क्या है, आकार. एंटिक बता रहा है ओरिजिन उसका पुराना है. ब्लू कलर है उसका. ठीक है जी, डायमंड मटेरियल. ठीक है जी, तो ये जो सिक्वेंस है वो भी फिट बैठ रहा है अपने यहाँ पे. तो अपना जो ऑप्शन होगा कौन सा आएगा, बी. नेक्स्ट देखो जरा, चूज द मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड आइडियम यूज इन द गिवन सेंटेंस. ही हैज बीन जॉबलेस सिंस द फैक्ट्री क्लोज, बट हिज वाइफ वर्क एज ए सीमेस्ट्रेस एंड कीप्स द पॉट बॉइलिंग. तो कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है कोई काम रुकने नहीं देना, उसको जारी रखना, उसके लिए यूज करते हैं अपने. ठीक है जी, तो इसमें आएगा अपने मेक श्योर दैट द फैमिली इज नॉट स्टार्विंग. स्टार्विंग भूखा मरना.
तो कीप्स द पॉट बॉइलिंग, तो उसका हस्बैंड है वो तो क्या जॉबलेस हो गया था और वो जॉब कर रही थी वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि उनका घर खर्चा चलता रहे, भूखे नहीं मरे। तो क्या आएगा यहाँ पे, मेक श्योर दैट द फैमिली इज नॉट स्टार्विंग, तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। नेक्स्ट देखिए जरा, ये क्वेश्चन था अपने 38, 39, देखो जरा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वॉक्स 20 माइल्स डेली फॉर हिज स्कूल। अब देखो जरा, डायरेक्ट से जब अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं अपन, सेकेंड फॉर्म में। तो एक होता है हैबिचुअल एक्शन, तो हैबिचुअल एक्शन है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखो अपने चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा जिसमें नो एरर हो, तो मतलब एरर तो ढूंढनी है अपने को। और जो फर्स्ट फॉर्म है वो किसमें कन्वर्ट होती है, सेकेंड फॉर्म में, तो वॉक्स की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पे, जो कि देने रखी है अपने को, चार में से एक पार्ट देखना है कि कौन से पार्ट में एरर, तो ये चेक करो कि वॉक्स कौन से पार्ट में आता है, दैट ही वॉक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे, वॉक डाना चाहिए। तो अपना आंसर वो क्या आएगा, बी, क्यों सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब अपने किसमें है, पास्ट में, तो आगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें कन्वर्ट होती है, सेकेंड फॉर्म में, तो क्या आएगा यहाँ पे, वॉक्ड, तो अपना आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखो जरा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर, ऑल द एनिमल्स रेन फॉर सेफ्टी व्हेन द लायन रोर्स इन द जंगल। तो ये काम हमेशा होता है कि जब भी शेर दहाड़ता है सारे जानवर अपनी सेफ्टी के लिए भागते हैं। अब जो काम हमेशा होता है वो किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्यों काम हमेशा होता है, और जो काम हमेशा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट में नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अब आप में से कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म करके आ जाएंगे, जबकि पूरा सेंटेंस ही किसमें बनेगा अपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है जी। तो पूरा का पूरा किसमें होना चाहिए, मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उसमें एस या ई एस, तो जो एरर है अपने कौन से पार्ट में, जिसमें रेन दे रखा है वो दे रखा है अपने बी ऑप्शन में, तो ऑल द एनिमल्स रन फॉर सेफ्टी आएगा, क्यों, सेफ्टी के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि काम हमेशा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40th में अपना आंसर होगा सेकेंड, तो रेन की जगह क्या होना चाहिए था, रन। नेक्स्ट देखिए 41, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब होता है कोई चीज़ है जिसको, इसका मतलब वॉकऑफ भी होता है, किसी जगह से चले जाना, ठीक है जी, डिपार्ट भी आता है अपने, चले जाने के लिए आता है, ठीक है जी, या टर्न उस चीज़ को बदलना भी होता है रिकॉइल। तो देखिए जरा, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड, तो इसका सिनोनिम देखना है अपने, ठीक है जी। तो फर्स्ट वन जो रिवाइंड करते हैं अपने, तो रिवाइंड तो क्या होता है, किसी चीज़ को शुरू से शुरू करना होता है, जबकि रिकॉइल का मतलब क्या होता है, या तो वापस जाना या उसको पलट देना होता है, ठीक है, शुरू से शुरू करना नहीं होता है। तो गलती से ए ऑप्शन तो करके भी मत आना इसमें अपने, ठीक है जी। इसमें आएगा अपने रिटर्न, वापस लौटना, ठीक है जी, उसके लिए यूज करते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 42, हाँ जी, तो ये अपने आ गया फिर से कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पैसेज वाला। तो पहले तो अपने देखना है कि क्वेश्चन कौन कौन से इसमें अपने, हाँ जी, ये दे रखा है क्वेश्चन, कौन से शुरू हो रही, 42 से, द कोमोडो ड्रैगन इज बेसिकली ए। तो सबसे पहले तो अपने ये देखना है कि कोमोडो ड्रैगन है उसका आंसर क्या होना चाहिए, कि वो बेसिकली क्या चीज है। सेकंड, द नेम कोमोडो ड्रैगन वॉज कॉइंड बाय, तो ये नाम किसने रखा था ये देखना है अपने। और फिर देखना है DRGN ड्रैगन, ये शॉर्ट में जैसे COVID-19 वगैरह अपने, ये भी शॉर्ट फॉर्म है अपने कोरोना की, ठीक है जी। इज ऑप्टेन फ्रॉम द कोमोडो ड्रैगन्स, ये कोमोडो ड्रैगन्स के किस पार्ट से, किस चीज़ से वो ऑप्टेन किया गया, प्राप्त किया गया था। तीन क्वेश्चन है अपने, मतलब चलो फिर एरर वाला आ गया अपने। तो अब देखो इन तीनों चीज़ों पर ध्यान रखना है अपने, और फिर पैसेज पढ़ना है। तो देखो पैसेज में क्या दे रखा है अपने, द कोमोडो ड्रैगन वारनस कोमोडिनियसिस, ओ बहुत भारी भारी शब्द इसमें तो अपने, हाँ जी, ऑल्सो नोन एज द कोमोडो मोनिटर इज ए स्पीसीज ऑफ लिजर्ड। तो ये किसकी स्पेसीज है, लिजर्ड, छिपकली होती है ना, उसके लिए यूज करते हैं, प्रजाति के लिए आते हैं। फाउंड इन द इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ कोमोडो, रिंका, फ्लोर्स एंड गिलीमोटेन, ए मेंबर ऑफ द मोनिटर लिजर्ड फैमिली वेरेनिडिए, इट इज द लार्जेस्ट एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब जो ज़्यादा फैला होता है, स्पीसीज ऑफ लिजर्ड, ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो फैली हुई स्पीसीज उसके लिए है। लिजर्ड ग्रोइंग टू ए मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए 3 meters, अब 3 meter तक ये फैली होती है, मतलब छिपकली वैसे छोटी होती है मैंने देखी होगी, लेकिन इसकी जो साइज है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है इनमें से, ठीक है जी, 10 feet तक।
इन रेयर केसेस एंड वेइंग अप टू अप्रोक्सीमेटली 70 किलोग्राम्स. तो 10 फीट तो अपनी लंबी होती है और वेट क्या होता है इसका 70 किलोग्राम्स. टू द नेटिव्स ऑफ कमोडो आइलैंड, नेटिव्स होते हैं मूल निवासी होते हैं उसके लिए यूज करते हैं अपने. इट इज रेफर्ड टू एज, रेफर यानी तो संबोधित करना उसको, एज ओरा बुआया डाराट, जिसे बोलते हैं लैंड क्रोकोडाइल. ठीक है जी, जो जमीन पे चलने वाला है अपने क्रोकोडाइल उसके लिए यूज करते हैं. और बायवक रक्षसस जाइंट मोनिटर, जो बहुत बड़ा मोनिटर होता है उसके लिए. कमोडो ड्रैगन्स वर फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बाई यूरोपियंस इन 1910, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले लिखा था उनको. वेर र्यूमर्स ऑफ ए लैंड क्रोकोडाइल रीज ल्यूटिनेंट, जिसे अपने अमेरिकन में बोलते हैं ल्यूटिनेंट और ब्रिटिश में होता है लेफ्टिनेंट. वैन स्टेन वैन हैंस ब्रोक ऑफ द डच कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये डच कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थे तो पहले पूरी दुनिया में क्या जो डच है फ्रांसिस ही यही घुमा करते थे. ठीक है जी, तो ये उसमें लेफ्टिनेंट था अपने. द फर्स्ट टू लाइव कोमोडो ड्रैगन्स टू अराइव इन यूरोप वर एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड तो प्रदर्शनी करना होता है उन्हें सामने लाना, इन द रेप्टाइल हाउस एट लंडन जू. वेन इट ओपन इन 1927 द कोमोडो ड्रैगन वॉज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर एन एक्सपीडिशन. एक्सपीडिशन होता है खोज करते हैं अपन, कैंपेन कोई सी चीज़ की शुरुआत होती है उसके लिए यूज करते हैं. टू कमोडो आइलैंड बाई डब्ल्यू डगलस बर्डन इन 1926 आफ्टर रिटर्निंग विथ 20 प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस एंड टू लाइव वंस, तो ये तो वो जो प्रिजर्व कर रखी थी उसके लिए है और दो जिंदा. दिस एक्सपीडिशन प्रोवाइडेड द इंस्पिरेशन फॉर द 1933 मूवी किंग कॉन्ग, ये मूवी आई थी वो इसी से इंस्पायर हुई थी. इट वॉज ऑल्सो बर्डन हु कॉइन्ड द कॉमन नेम कोमोडो ड्रैगन. इट वॉज ऑल्सो बर्डन हु कॉइन्ड द कॉमन नेम, तो ये आया था कि कॉमन नेम अपने जो कोमोडो ड्रैगन है ये कहाँ से आया था अपने. ठीक है जी, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी अपने देखो जरा. द कोमोडो ड्रैगन वॉज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर एन एक्सपीडिशन टू कोमोडो आइलैंड, जिसकी खोज किसने की थी डगलस बर्डन ने. अब इसी में देखो जरा आगे, इसी से ये वाला है अपने. रिसर्चर्स हैव आइसोलेटेड ए पावरफुल एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं, उसे अपन साइंस में पढ़ा होगा आपने, पेप्टाइड बोलते हैं उसे. द ब्लड प्लाज्मा ऑफ कोमोडो ड्रैगन्स, तो ये क्वेश्चन आया था अपने. ठीक है जी, इस पर ध्यान रखना. VK25 प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स ऑफ द दिस टेस्ट शो दैट ड्रैगन वन इज इफेक्टिव इन किलिंग ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेंथ एंड इवन सम फंगस. में से क्या होता है कि इसका जब प्लूरल बनाते थे तो US को हटाकर आई लगाते हैं तो क्या बनता है फंगी. इट हैज द एडेड ऑब्जर्व्ड बेनिफिट ऑफ सिग्निफिकेंटली प्रोमोटिंग वुंड हीलिंग, वुंड यानी होता है घाव वगैरह, सिग्निफिकेंटली होता है महत्वपूर्ण तरीके से. ठीक है जी, तो अब देखो क्वेश्चन क्या क्या थे अपने. द कोमोडो ड्रैगन इज बेसिकली ए, तो अपने देखा था कि ये क्या है लिजर्ड छिपकली का है, तो 42 का जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा सी. नेक्स्ट देखो द नेम कोमोडो ड्रैगन वॉज कॉइन बाई, तो ये किसे हुआ था अपने, तो अभी इसमें एक आया था अपने क्वेश्चन. हाँ, डब्ल्यू डगलस बर्डन है इसने उसकी खोज की थी आइलैंड की और उसके बाद में वहाँ पे स्पेसिमैन वगैरह उनके दो जिंदा वगैरह भी लेके आए थे उनको और वहीं से इसका नाम जो हुआ था अपने वो देखो जरा. इट वॉज ऑल्सो बर्डन हु कॉइन द कॉमन नेम कोमोडो ड्रैगन. हाँ जी, तो अब देखो जरा डगलस बर्डन, तो इट वॉज ऑल्सो बर्डन जिसने इसको कॉइन किया था इसके नेम को. ठीक है जी, तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें ए. नेक्स्ट देखो 44 ड्रैगन वन इज ऑप्टेन फ्रॉम द कोमोडो ड्रैगन्स, तो ये कहाँ से ऑप्टेन किया गया ये भी अपने आया था लास्ट में अपने. देखिए जरा, हाँ, रिसर्चर्स हैव आइसोलेटेड पावरफुल एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा ऑफ कोमोडो ड्रैगन्स. VK25 प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स ऑफ दिस टेस्ट शो दैट ड्रैगन वन इज इफेक्टिव इन किलिंग ड्रग रेजिस्टेंट, तो ये कहाँ से मिला था अपने को ब्लड प्लाज्मा से उसके. तो देखो जरा ड्रैगन वन इज ऑप्टेन फ्रॉम द कोमोडो ड्रैगन्स, कहाँ से ऑप्टेन किया गया था इसको प्लाज्मा से. ठीक है जी, तो इसमें अपना आंसर आएगा सेकेंड. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर द फैब्रिक वॉज सो सॉफ्ट दैट इट पास्ड इन द फिंगर रिंग, अब जो फिंगर रिंग होती है उसमें से निकला था, तो अब जो किसी के माध्यम से गुजरता है उसके लिए इन नहीं आता, उसके लिए थ्रू आता है, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था द फैब्रिक वॉज सो सॉफ्ट दैट इट पास्ड थ्रू द फिंगर रिंग. ठीक है, तो किसी के माध्यम से गुजरने के लिए क्या आता है थ्रू आता है, जैसे ट्रेन है वो टनल के माध्यम से जाएगी तो क्या आएगा पास थ्रू, उसके माध्यम से गुजरता है. हाँ जी,
तो इसके साथ में क्या यूज होना चाहिए था? थ्रू। तो अपना आंसर है जो देखो कौन से पार्ट में एरर होगी, वो होगी डिपार्ट में, क्योंकि यहाँ पे इनकी जगह क्या आना चाहिए था? थ्रू आना चाहिए था। तो किसी के माध्यम के लिए हमेशा थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो 45 में अपना आंसर आएगा डी। नेक्स्ट देखो जरा, हाँ जी, नेक्स्ट अपने आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड डिबेस। डिबेस होता है किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना, उसके लिए यूज करते हैं अपने। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? उसकी प्रशंसा करना, तो वो आएगा अपने एग्जाल्ट। तो एग्जाल्ट होता है किसी को प्रेज, तारीफ करना, उसके लिए यूज करते हैं। तो डिबेस का अपोजिट क्या होगा? एग्जाल्ट। नेक्स्ट देखिए जरा, आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड पोस्ट डेट। पोस्ट डेट का मतलब तो डेट निकलने के बाद में, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? उस डेट से पहले ही, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्री डेट। और प्री डेट नहीं दे रखा हो तो एंटी डेट यूज करते हैं अपन। देखो जरा कौन सा है इसमें अपने, अपडेट, आउटडेट, एंटी डेट। तो क्या आएगा यहाँ पे? एंटी डेट, जिसे अपन प्री डेट भी बोलते हैं कि उस डेट से पहले। तो पोस्ट डेट इसका अपोजिट क्या आएगा? एंटी डेट। नेक्स्ट देखो जरा, चूज द मीनिंग ऑफ द इटलिसाइज इडियम यूज इन द गिवन सेंटेंस आफ्टर मैरिज द फ्रेंड्स मेट ईच अदर वंस इन ए ब्लू मून। इसका मतलब होता है वेरी, बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम उसके लिए यूज करते हैं अपने। ओकेजनली भी बोलते हैं कि कोई ओकेजनली होता है तो मिल जाते हैं, ऐसे नहीं मिलते वो। तो इसका आंसर है वो देखो क्या आएगा अपने, वंस इन ए वाइल। इन दोनों फ्रेज का मीनिंग एक ही होता है। क्या होता है? वंस इन ए वाइल, ओकेजनली, बहुत ही रेयरली, ठीक है जी। तो इनका मीनिंग क्या आएगा अपने इसमें? सी ऑप्शन, वंस इन ए वाइल। 49 देखिए जरा, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रेट। अब फ्रेट होता है सामान, जो बोझ होता है, सामान होता है ढोने के लिए जो यूज लेते हैं उसके लिए आते हैं, ठीक है जी। तो इसका सिनोनिम पूछा है तो इसका क्या आएगा अपना? शिपमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, 50वां नंबर, हाँ जी। तो 25 क्वेश्चन है इसमें अपने, तो लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड डिसरेप्यूटेशन। और डिसरेप्यूटेशन यानी क्या होता है? अपमान, बेइज्जती, उसके लिए। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सम्मान। तो कौन सा आएगा इसमें अपने? स्टीम। स्टीम होता है सम्मान देना, ये गाड़ी भी आती थी पहले एक, किसी को पता हो तो, ठीक है जी। तो स्टीम होता है रेस्पेक्ट, तो ये अपने नाउन वर्ब दोनों का काम करता है अपने। क्या होता है? सम्मान या सम्मान करना किसी का। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या आएगा अपने? स्टीम, ठीक है जी। तो ये था अपना पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है जी। कोई भी डाउट तो आप कमेंट्स वगैरह में इसमें लिख के बात कर सकते हो अपने, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे अपने। तो मोस्टली अपने क्या है कि सिनोनिम एंटोनिम वाले, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये मोस्टली क्वेश्चन थे अपने वोकैब वगैरह से, ग्रामर से, ठीक है जी। और एरर फाइंड आउट करना, और दो अपने पैसेज जो कि सिंपल से थे अपने, इतने हार्ड भी नहीं थे, 3-3 क्वेश्चन थे दोनों के, ठीक है जी। तो यहीं तक था अपना सोल्यूशन, ओके, थैंक यू। हेलो गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एट निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाई इंजीनियर्स अकेडमी। आज अपन पेपर डिस्कस कर रहे हैं UPSSC का JEE 2018 का, जो कंडक्ट हुआ है 16 अप्रैल 2022 को। उसका कंप्लीट सॉल्यूशंस हम लोग बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, हम लोगों को अपने, आप लोगों को एक मैराथन भी कराई थी, और उस मैराथन से पूरे के पूरे क्वेश्चंस एज इट इज रूबरू होके क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। और आई होप आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा और पूरे मार्क्स आ रहे होंगे। तो मैं रीजनिंग का सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जो क्वेश्चंस थे 51 से लेके 35 नंबर क्वेश्चंस जो पेपर आप लोगों ने दिया, वही पेपर मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर ओपन कर रखा है। जो पेपर कोड है वो भी मैं बता देता हूँ। जो पेपर कोड है 17 नंबर पेपर कोड, क्लियर, बुकलेट सीरीज सी, पेपर कोड इज 17, ओके, जिसका सॉल्यूशंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि मैं मैराथन के अंदर भी आप लोगों को कराया था। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और दो कंक्लूजन्स गिवन है। जो स्टेटमेंट्स गिवन है, यहां पर गाइज बात करें, मनी को गुड़िया पसंद है, क्लियर। यहां पे लिखा है मनी लाइक्स डॉल। मनी का रिलेशन डॉल से बता रखा है, डॉल से, किसी गेम की बात नहीं कर रहा। तो मनी लाइक डॉल्स, मनी का रिलेशंस। अब मनी को वीडियो गेम से कोई रिलेशन है? नहीं। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग, इससे कोई कंक्लूजन्स नहीं निकल रहा। तो फर्स्ट विल बी क्या बेटा यहां पर अपना? रॉन्ग है। तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड बात करें,
मनी को घुड़सवारी की भी कहीं बात नहीं करा, उससे भी ये कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तो बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। क्लियर? तो यहां से आएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता, तो इसका आंसर आएगा नन फॉलोज। 51 का राइट आंसर क्या होगा? ए। क्लियर? बुकलेट सी, पेपर कोड 17, यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो 16 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ है। क्लियर? चेक करते चले आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। रीजनिंग का जो वेटेज है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स था, 75। बहुत सिंपल पेपर था, बहुत सिंपल पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन आर रिलेटेड टू सीटिंग अरेंजमेंट। अब जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, इन इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर केवल एक ही क्वेश्चन नहीं है गाइज, 3 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर। तो डायग्राम जो भी बनाए वो नीट एंड क्लीन बनाए, और उस डायग्राम को फर्दर जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी यूज करें, स्मार्ट बनके पेपर्स को सॉल्व करना। तो सेकंड जो 52 नंबर क्वेश्चंस है, विच आर रिलेटेड टू सीटिंग अरेंजमेंट, आप मैराथन का लिंक ओपन करें और उसमें देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैंने आपसे कराया नहीं कराया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चंस यहां पर आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। और हाउ मेनी क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस आर देयर, 5 क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है यहां पर, और इसी के ऊपर 3 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मैं आपको जब कंडीशंस को पहचाना, 8 व्यक्ति हैं, फेसिंग द सेंटर, सर्कल की कंडीशंस है, तो सबसे पहले आपको रो डायग्राम बनाना है। ये मैंने एक रो डायग्राम बनाया, 8 पर्संस का रो डायग्राम बनाया, फेसिंग द सेंटर है तो सेंटर की तरफ मैंने फेस किया, और जब सेंटर की तरफ फेस है बेटा तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो राइट जाते हैं, और क्लॉकवाइज जाते हैं तो बेटा कहां जाते हैं? बेटा लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम चले, कितने आदमी है बेटा? 8 आदमी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 आदमियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, फेसिंग द सेंटर है, कंडीशन अपन को मालूम चल गई। तो यहां से अपन इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, सबसे पहले डेफिनेट इंफॉर्मेशन, एच ई के दाएं तीसरा है, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, एच इज द थर्ड राइट ऑफ ई, एच कंपेरिजन किससे हो रहा है? ई से, तो ई को सबसे पहले अपन ने ड्रॉ किया, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं एज यू वी। अब इस क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन आगे भी काम आएंगे, ध्यान रखना। ई एच कौन सा राइट है? थर्ड, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड, तो एच कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। अब ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी, तो इनको अपन ने ड्रॉ किया, और डेफिनेट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना है जो निकटतम पड़ोसी, जो किसके लिए? ई, जो ई है वो डी का निकटतम पड़ोसी है, ई डी का निकटतम पड़ोसी है, तो डी यहां पर भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, और दोनों पॉसिबिलिटीज अपन को लेके चलना। आगे क्या कह रहा है? ई सी के दाएं को दूसरे स्थान पे, कौन? ई सी के दाएं दूसरा, तो सी यहां आएगा, तो फर्स्ट राइट एंड सेकंड आए। क्लियर है? बी जी के ठीक बाएं हैं, आगे यहां पे पढ़ो, डी बी के बाएं दूसरा है, कौन? डी बी के बाएं दूसरा है। अब डी यहां यहां आ सकता है, यदि यहां डी लेते हैं तो बी यहां आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो डी यहां आएगा और बी यहां आएगा, डी इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज फोर्थ राइट ऑफ एफ, कौन? हु किसके लिए? बी, बी है जो फोर्थ राइट ऑफ एफ। अब बी का फोर्थ राइट ऑफ एफ, तो एफ फोर्थ लेफ्ट होगा, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट और 4th लेफ्ट, तो एफ यहां पे आएगा। अब यहां पे देखो, ई सी के दाएं दूसरे स्थान पे क्लियर हो चुका, एच ई के दाएं को तीसरे स्थान पे क्लियर हो चुका, जो एफ के दाएं चौथा, ये चीज क्लियर हो चुकी। अब बचे 2 लोग, यहां पर बचा 3 3 6 2 8, ए बचा यहां पर और जी बचा। अब जी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, बी जी के ठीक बाएं हैं, तो बी जी के ठीक लेफ्ट है, तो बचा कौन? ए, तो ए की पोजिशन ये आएगी। अब यदि अपना डायग्राम बन चुका है तो सारे क्वेश्चंस अपन क्लियर कर लेंगे,
सारी इंफॉर्मेशन अपनी राइट है। यहां पे पूछा जी के दाएं कौन सा है, दाएं तीसरा कौन सा है, तीसरा। हु इज द थर्ड राइट ऑफ जी, जी के थर्ड तीसरा, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एफ, और एफ कौन से ऑप्शन में बेटा, बी ऑप्शन में। जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछा यहां पर, जी के दाएं तीसरा कौन है, जी के दाएं तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एफ है, और एफ कौन सा ऑप्शन है यहां पर, बात करें। जस्ट ए मिनट, डायग्राम में कहीं गलती हो रही है क्या, जी के दाएं तीसरा कौन है, हु इज द थर्ड राइट ऑफ जी, हु इज द थर्ड राइट ऑफ जी, एफ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एफ, और एफ कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी बी बी। क्लियर हुआ, अगेन चेक कर लेते हैं एक बार, इंफॉर्मेशन में कहीं गलती तो नहीं है। एच ई के दाएं तीसरा है, वन टू एच, वन टू थर्ड, जो डी का निकटतम पड़ोसी है ई, डी का निकटतम पड़ोसी है, ई सी के दाएं से दूसरे स्थान पे, ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी जी के ठीक बाएं है, डी बी के बाएं दूसरा है, जो एफ से दाएं चौथा है, जो बोले तो बी, बी एफ से दाएं चौथा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो एफ आएगा, और वो कौन सा ऑप्शन है, बी। तो 52 का राइट आंसर विल बी क्या होगा बेटा, बी होगा, बी बी। क्लियर, कहीं पे भी गलती हो आस्क मी, पूछ सकते हैं यहां पर। 53 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पे देखिए, यहां पर क्या दे रखा है आपको, फैक्ट्स दे रखे, और उसके बिहा पर अपोजिट कंक्लूजन्स अपन को चूज करना है। क्लियर, तो क्या है यहां पर स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे, ऑल सेल्स पीपल वर्किंग इन पेंशन सेल्स हैव एन इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन, जो सेल्स पीपल है पेंशन सेल में जो काम करते हैं, पेंशन सेल में काम करते हैं, उनके पास एक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस किसका, यहां पर इंश्योरेंस योग्यता है, इंश्योरेंस योग्यता है। क्लियर, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं जिससे आपको प्रॉपर वे में दिखे यहां पर। क्लियर हुआ, तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं 53 क्वेश्चंस। क्लियर, तो ऑल सेल्स पीपल वर्किंग इन पेंशन सेल्स हैव एन इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन, यस। डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड सेल्स ओनली पेंशन इंप्लॉय सेल्स पीपल, इंप्लॉय सेल्स है, डिफेंडर इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो पेंशन बेचती है, और उसके पास सेल्स कर्मचारी हैं, सेल्स कर्मचारी हैं, पी एक सेल्स कर्मचारी है जो पेंशन सेल्स में काम करता है, पेंशन सेल्स में काम करता है। क्लियर, एल ऋण बेचता है, तो एल के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है, एल्स के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है, कुछ बोल सकते हैं एल्स के पास, एल तो ऋण बेचता है, कहां बेचता है पता नहीं, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो आंसर भी आएगा अनसर्टेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी इज द राइट आंसर, सी सी सी। क्लियर हुआ, तो 53 का आंसर विल बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्लियर, तो यहां पे भी वही फैक्ट्स है और अपोजिट कंक्लूजन है, उनसे निष्कर्ष निकालना है। सभी क्लेम हैंडलर्स ग्राहकों से बात करते हैं, जे ग्राहकों से बात नहीं करता तो मतलब क्लेम हैंडलर्स नहीं है, नहीं। केवल एडमिनिस्ट्रेटर ग्राहकों से बात नहीं करते, कौन नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटर, तो जे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है बट कंफर्म नहीं है क्योंकि कस्टमर से बात नहीं करता। सभी एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी के साथ एक वर्ष से कम जुड़े हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है लेस देन वन ईयर है, तो सभी क्लेम हैंडलर्स कंपनी के साथ एक वर्ष से अधिक है, एक वर्ष से अधिक है, ये कुछ नहीं बोला हुआ। तो यहां पर जो बोल रखा है सभी क्लेम हैंडलर्स कंपनी के साथ एक वर्ष से अधिक है, 100% अधिक है पता है, नहीं, गलत है, ये गारंटी से कह रहा है कि सभी एक वर्ष से अधिक है, अधिक है। 54 इसका आंसर कुछ नहीं बता सकते भाई, ये कह रहा है एक वर्ष से अधिक है, ऑल क्लेम हैंडलर्स हैव बीन विद द कंपनी फॉर मोर देन वन ईयर, जो कंक्लूजन्स निकल रहा है सभी क्लेम हैंडलर्स की बात करें, ग्राहकों से बात करें, उनके एक्सपीरियंस की कहीं बात ही नहीं की,
या एडमिनिस्ट्रेटर है जो कंपनी के साथ एक वर्ष से कम से जुड़े हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर क्लियर, ग्राहकों से बात नहीं करते, क्लियर। ओनली एडमिनिस्ट्रेटर टू नो टू कस्टमर्स, ऑल एडमिनिस्ट्रेटर हैव बीन विद द कंपनी ऑफ लेस देन वन ईयर। तो यहां पर क्लेम हैंडलर्स की बात कर रहा है और एक्सपीरियंस की बात कर रहा है तो नहीं कह सकते। तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा, सी आएगा, सी सी कांट से। आगे अपन बात करें 55 उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए यहां पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी क्लेम हैंडलर्स ग्राहकों से बात करते हैं, जे ग्राहकों से बात नहीं करता, तो ग्राहकों से बात नहीं करता तो क्लेम हैंडलर्स है गलत, तो इसका आंसर आएगा बी। तो 55 का राइट आंसर विल बी बी, 55 का राइट आंसर विल क्या आएगा, बी। यदि वो ग्राहकों से बात करता, क्लेम हैंडलर है तो ग्राहकों से बात करनी चाहिए, और सेकंड में लिखा है कि ग्राहकों से बात नहीं करता, तो इसलिए दीजिए रॉन्ग आंसर। 55 के बाद 56 डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आपसे डायरेक्शंस पूछी गई है। क्या पूछी गई है डायरेक्शंस में, अपन बात करें यहां पर अपने घर से, घर कहां है ये मानना, गीतापुर में 80 किलोमीटर गई। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे बेटा, वह उत्तर की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली। रो डायग्राम बनाएंगे, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर दूरी तय की, पूर्व 20 किलोमीटर, क्लियर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी 80 किलोमीटर गई। तो यहां पे 80 किलोमीटर, क्लियर। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 20 किलोमीटर की दूरी तय की, ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। तो ये फाइनल डायर पॉइंट है, फाइनल, और ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। तो ये अपना डायग्राम बना, ये वाली डिस्टेंस की बात करूंगा तो कितना डिस्टेंस होगा, 60, क्यों टोटल 80 है, 20 यहां से यहां तक का, क्लियर हुआ। अब यहां पे क्या पूछा, मैं किस दिशा में बढ़ रही है, ये दिशा कौन सी कहलाएगी, वेस्ट पश्चिम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 56 57। अब 57 की बात करें तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से। अब ब्लड रिलेशन क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम की बात कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स का मेमोरियल बेस्ड क्वेश्चंस पेपर था, तो स्टूडेंट्स ने कैसे किया छोड़िए। तो सबसे पहले अपन बात करें, राधा और राहुल के दो बच्चे हैं, दो लोग हैं राधा और राहुल, तो यहां डायग्राम बना रहा हूं, ये राधा और ये राहुल, क्लियर, राहुल के दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं दिव्या और सुमी। कौन कौन है बेटा, दिव्या और सिमी, क्लियर। अब चाइल्ड है तो इनसे नीचे आएंगे, ये पेरेंट्स है तो एक जनरेशन ऊपर से आएंगे। आगे कह रहा है यहां पर, आगे क्या कह रहा है यहां पर, दिव्या ने अनुज से शादी कर ली, कौन, दिव्या किससे शादी कर ली, अनुज से, तो अनुज यहां आएगा, अनुज से शादी कर, के लिए जो मधु और रामू का बेटा है, कौन, अनुज, किसका बेटा है, मधु और रामू का, तो ये मधु और रामू का बेटा है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। अनुज की बहन सुमा की शादी, अनुज की बहन सुमा की शादी, बहन सिबलिंग में आएगी, कौन बहन, सुमा, सुमा की शादी किससे हुई, सुबोध से। अनुज की बहन उसकी जनरेशन में आई, शादी किससे हुई, सुबोध से। और तरुण रामुन उनके बेटे हैं, तरुण और अमन उनके बेटे हैं, बेटे हैं तो क्या होंगे, मेल होंगे। आगे तरुण मधु और रामू का पोता या पोती है। तो यहां से एक सिबलिंग बन गए मधु और रामू से। अब पूछे अमन रेशमा से किस प्रकार संबंधित है, अमन ये रहा, रेशमा
रेशमा के बीच, रेशमा यहाँ पे आई नहीं अभी, तो रेशमा का कहीं पे, रेशमा अनुज की बेटी है, रेशमा अनुज की बेटी है, तो ये रेशमा अनुज की बेटी है, तो इनकी जनरेशन सेम है, तो यहां पे पूछा जा रहा है तो अमन रेशमा के बीच क्या संबंध है। यहां पे आएंगे कजन, कजन ममेरे फुपेरे भाई बहन, कजन आएंगे कजन, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्या ऑप्शन आएगा बेटा? डी, डी आपका भी आंसर डी ही आना चाहिए और डी इज द राइट आंसर, कजन होगा। मैंने पूरा डायग्राम बनाया और पूरा डायग्राम आपके सामने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन। हां आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है यहां पर, कैन बी यूज द डिसीजन दिस प्रॉब्लम्स, एक क्वेश्चन दे रखा है सलमान की मां कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए कौन सा आंसर सफिशियंट है? तो देवी सलमान की एकमात्र आंट है, गलत। देवी सलमान की आंट मालूम चल गया तो मां के बारे में तो मालूम ही नहीं चल रहा। माया सलमान की एकमात्र आंट की बहन है, यस यस। तो बी वाले से अपन ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो सलमान की मां कौन है? मां सलमान की एकमात्र आंट, एकमात्र आंट, एक ही आंटी है और उनकी एक बहन है। जब एक ही आंटी है तो दूसरी उसकी बहन माई कहलाएगी। इससे अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं और बाकी किसी से हर समस्या का हल नहीं निकाल सकते। तो आंसर विल बी आएगा माई सिस्टर ओनली, माई मैटरनल आंट ऑफ सलमान। ओके 58 के बाद 59 क्वेश्चन की बात करें, डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट्स दे रखा है और स्टेटमेंट्स देने के बाद आपसे पूछा है कौन से कंक्लूजन्स राइट है यहां पर। क्लियर? स्टेटमेंट्स क्या है? परीक्षा में भाग लेने वाले 50 छात्रों में से केवल 40% छात्र उत्तीर्ण हुए, 40% डेट मीन 20 स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए और 30 स्टूडेंट्स फेल हुए। यही तो मालूम चल रहा है निष्कर्ष। उत्तीर्ण वालों में लड़का लड़कियों की कहीं डिटेल है ही नहीं तो गलत है। 20 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, सही, पिछले वर्ष की कोई बात ही नहीं है। तो ओनली सेकंड, केवल अनुसरण सेकंड करता है, केवल अनुसरण सेकंड करता है। तो 59 का राइट आंसर विल बी क्या होगा बेटा यहां पर? ए होगा, ए होगा। 59 का राइट आंसर क्या होगा यहां पर? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 के बाद 60 नंबर आपको डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये पूरा स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके सामने लिखा। क्लियर? अब आपसे पूछा है क्वेश्चन, चुनाव में विजेता को कितने वोट मिले। क्लियर? और सारे वोट्स वैलिड हैं, वैलिड्स हैं, अज्यूमिंग नन ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए दो इंफॉर्मेशन दे रखी, स्टेटमेंट्स दे रखे, अपन को बताना है इनके आंसर अपन निकाल सकते हैं क्या। चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 4 उम्मीदवार हैं। विजेता को सबसे कम प्राप्त वाले से 5000 वोट अधिक मिले। केवल इससे तो नहीं निकाल सकते आप, इससे तो नहीं निकाल सकते। सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले को विजेता से 50% कम वोट मिले, ये भी अपन नहीं निकाल सकते। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, 4 कैंडिडेट्स हैं, सबसे कम वाले और उम्मीदवार में जीतने वाले 5000 वोट अधिक मिले, और यहां पे कम और विजेता से ही रिलेशंस दे रखा है। तो दोनों की बात कर रखा है, उम्मीदवार टॉपर और लूजर सबसे कमजोर, यहां भी उम्मीदवार दोनों, और दोनों के बीच में 2 इक्वेशंस बन जाएंगी और दोनों को मिलाने से अपना आंसर निकल जाएगा। और दोनों को मिलाने से अपना आंसर निकल रहा है तो आंसर विल बी क्या होगा बेटा? सी होगा। सी अपन को आंसर नहीं निकालना, डिसीजन डेटा सफिशियंसी, गिवन डेटा सफिशियंट है नहीं है यह आपको बताना है। मैराथन में सेम क्वेश्चन कराया था डेटा सफिशियंसी का। क्लियर है? सेम क्वेश्चन कराया था। तो इस दोनों के डेटा से मिलाकर, इन दोनों इंफॉर्मेशन से मिलाकर अपन बता सकते हैं
चुनाव में विजेता को कितने वोट मिले, वो मिले 10,000 वोट्स और सबसे कम वाले वोट्स को मिले 5,000 वोट्स। और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहां पर विनर की बात करें और ये लिस्ट लूजर्स की बात करें, इसे एक्स मिले, इसको एक्स प्लस 5,000 मिले, एक इक्वेशन ये बनी। और दूसरी इक्वेशन एक्स प्लस 5,000 का 50% वो किसके बराबर है, लूजर्स के बराबर। दोनों को मैंने यूज किया तो अपनी एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है, और एक्स की वैल्यू आ गई तो यहां से विनर का रिलेशन अपन निकाल सकते हैं। तो यहां 60 का राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके 61 नंबर क्वेश्चंस, 61 नंबर क्वेश्चंस। हां डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। अब आपको एक इंस्ट्रक्शंस दे रखा है यहां पर, क्या 2p इज ग्रेटर देन q, ये किसके बिहाफ पे बोल सकते हैं, p प्लस q बराबर 100 पता ही नहीं, p की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू क्या, वैल्यू डिफाइन हो रही है, दो वेरिएबल नहीं। सेकंड, फर्स्ट ऑप्शंस का रिलेशन कोई समझ में नहीं आ रहा, बट सेकंड देखो p इक्वल टू q, यदि p q के बराबर है और p q दोनों पॉजिटिव नंबर, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहां से अपन डिसाइड कर सकते हैं 2p, तो p का 2 टाइम्स डेफिनेटली q से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। p का 2 टाइम्स यदि बराबर है तो अपन बता सकते हैं ये डेफिनेटली बड़ा होगा। तो यहां पे b वाला से अपन निर्णय ले सकते हैं, b वाले से अपन निर्णय ले सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, b होगा। 61 के बाद 62 की बात करें। अब यहां पे एक थोड़ा सा मेजर करेक्शंस था, मैं आपको बता देता हूं क्या करेक्शंस था, इस क्वेश्चन में नहीं अगले क्वेश्चन, वेट कीजिए। अगेन सीटिंग अरेंजमेंट्स का क्वेश्चंस है, अगेन सीटिंग अरेंजमेंट्स का क्वेश्चंस है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट्स अब की बार भी कितने परसेंट्स की बात करा, 8% की। कहां बैठे हैं, फेसिंग द सेंटर, तो सबसे पहले रो डायग्राम बनाए, ये अपन ने रो डायग्राम बनाया 8% का, 8% का, क्लियर। यहां डेफिनेट इंफॉर्मेशन देखो, पी के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एन एम का निकटतम पड़ोसी है, जे के से बाएं पांचवा है, जे किससे कंपेरिजन हो रहा बेटा, के से बाएं पांचवा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो जे यहां पे आएगा, जे के बाएं पांचवा है। अब यहां पे देखें पी के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन पी, पी यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, एन एम का निकटतम पड़ोसी है, कोई बात नहीं, एम के और जे का, एम यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां तो एम की केवल दो ही पोजीशन बची, एक तो ये पोजीशन या एक ये पोजीशन, क्लियर। एम पी के ठीक बाई ओर है और यहां से बोल दिया पी के का निकटतम पड़ोसी नहीं, पी यहां नहीं आ सकता, और यहां पर बोला है एम पी के ठीक बाई ओर है, एम पी के ठीक बाई ओर, तो एम यहां लोगे तो पी यहां लोगे तो एम पी के ठीक बाई ओर हुआ, यदि पी यहां लेता हूं तो दाई ओर बनेगा, तो यहां से एम हटेगा, एम यहां, सॉरी पी यहां पे आएगा और एम यहां पे आएगा, तो एम और पी की पोजीशंस क्लियर हो गई, तो एम पी के ठीक बाई ओर है, ओ पी का निकटतम पड़ोसी है, कौन, ओ किसका निकटतम पड़ोसी है, पी का, एल जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन, एल यहां नहीं है तो एल यहां पे आएगा। अब एल का भी मालूम चल गया, अब बचा शख्स कौन, क्यू बचा और एन बचा, एन की बात करें एन एम का पड़ोसी है, एन एम का पड़ोसी है तो एन यहां आएगा और क्यू यहां पर आएगा, तो सब लोगों की पोजिशन अपनी बन चुकी है, और पोजीशन सब लोगों की बन चुकी है, तो यहां पे अपन डिस्कस करें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जे के संदर्भ में एम का स्थान क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, जे में, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, क्लियर हुआ। तो आंसर विल बी क्या होगा बेटा, सी 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 सी, ओके आंसर विल बी सी। अब यही क्वेश्चन आगे भी काम आएगा, आगे देखिए यहां पे क्या कह रहा है 63,
63 में आपको समस्या का निर्धारण लेना है, P और Q का गुणनफल कितना है, इससे निकाल सकते हैं? नहीं, P और Q दोनों 10 के गुणज है, बट कितने गुणज हैं? P और Q की वैल्यू मालूम है, P और Q अलग अलग है, अलग अलग है 5, 7, 10, 13, 18, 20। अब ये वैल्यू है कौन सा का, इनका गुणन क्या है? पी क्यू का एलसीएम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, समस्या हल नहीं की जा सकती। अब समस्या हल नहीं की जा सकती तो पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज टेक ए डिसीजन ऑन दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ टू नेचुरल नंबर। तो किन दो संख्याओं का अलग अलग है, कौन कौन सा अलग अलग है, समस्या कैन नॉट बी सॉल्व। थोड़ा सा सोचो, अपन को ये नहीं बता रखा कि समस्या लेने के लिए प्राकृतिक संख्या P और Q का गुणन क्या है, जो संख्या की वैल्यू होंगी और उसके बिहाव पर अपन गुणा निकाल सकते हैं। सेम है तो भी गुणनफल निकाल सकते हैं, अलग अलग है तो भी गुणनफल निकाल सकते हैं, सेम है तो भी गुणनफल निकाल सकते हैं। तो यहां पर आंसर आएगा, अब वो वैल्यू क्या है, क्लियर? यहां पे वैल्यू निकालेंगे, सेम है तो भी अपन हल निकाल सकते हैं यहां पर, तो यहां से भी निकलेगा, तो इसका आंसर आएगा डी डी डी, क्लियर? क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू क्लियर नहीं हो रही कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, और जब तक एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम चल रही तो अपन गुणनफल नहीं निकाल सकते। तो इसका राइट आंसर विल बी क्या होगा बेटा, डी 63 का। नेक्स्ट डायरेक्शंस का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है डायरेक्शंस का, जो अपन को बहुत सिंपल आउटपुट, आई थिंक ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, क्वेश्चन कर भी चुके हैं, तो इस क्वेश्चन से 64। अब इसका सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे 64 का, 64 का डायग्राम जो पहले 56 नंबर क्वेश्चन आया है वही डायग्राम यहां पे बनेगा, और अपन को डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले पूर्व में 80 किलोमीटर गए, यहां से वह उत्तर की ओर 20 किलोमीटर गए, फिर वह पूर्व की ओर 20 किलोमीटर गए, फिर वह दक्षिण की ओर 80 किलोमीटर गए। अब अपन को सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो ये वाली डिस्टेंस 20, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? तो यहां पर अपन पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करेंगे, क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम्स यहां पर यूज किया अपन ने यहां वाले ट्रायंगल्स के लिए, तो ये 80 और ये 60, तो 80 का स्क्वायर 6400 और 3600, तो यहां पे सोल्व किया 10,000, इसका रूट्स करेंगे तो 100 किलोमीटर, तो आंसर विल बी इसका क्या होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी, क्लियर? तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 65 बहुत सिंपल क्वेश्चन, ब्लड रिलेशंस, क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चंस, 65 क्या कह रहा है 65 क्वेश्चंस? अमित इज द ब्रदर ऑफ रंजन, अमित ब्रदर है किसका, रंजन का। अब ब्रदर है तो बराबर में आएगा, किसका ब्रदर है, राजन का। एंड सन ऑफ कमल, सन ऑफ कमल, कमल का बेटा है, कमल का बेटा है। राकेश इज द फादर ऑफ कमल, आगे कह रहा है राकेश इज द फादर ऑफ कमल, राकेश, क्लियर? हाउ इज अमित रिलेटेड टू राकेश, अमित क्या होगा, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। दो जनरेशन नीचे है, और डेफिनेटली दो जनरेशन की नीचे की बात करें तो आंसर क्या बनेगा, पोता, पोता। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर 66 ब्लड रिलेशंस का, ब्लड रिलेशन के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए यहां पर, तो यहां पे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चंस की अपन बात करें, 66 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, क्या कह रहा है यहां पर 66 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, तो 66 नंबर क्वेश्चंस देखिए यहां पर, एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन एंड एल की पुत्री है,
एल एस का एल इज ब्रदर ऑफ एस, एल इज ब्रदर ऑफ एस एंड हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू. पी इज द फादर ऑफ एस, पी इज द फादर ऑफ एस, फादर ऑफ एस. फादर है एक जनरेशन ऊपर आएगा. यह एरो वाला पेरेंट्स के रिप्रेजेंट करता है. हु अमोंग द गिवन ओपन कैन बी पॉसिबल वाइज मदर्स ब्रदर इन लॉ. क्लियर हुआ? तो यहां पे पूछा वाई की मदर, वाई की मदर कौन, उनका देवर जेठ कौन हो सकता है, एस हो सकता है, और इसी के चांसेस हैं और किसी के चांसेस नहीं है. आंसर विल बी डी, आंसर विल बी क्या होगा बेटा, डी होगा. क्लियर? यहां पे पूछा है गिवन ऑप्शन कैन पॉसिबल वाइज मदर ब्रदर इन लो, मदर्स ब्रदर इन लो, वाई की मां का देवर और जोट कौन, माइए कौन होगा, हस्बैंड का ब्रदर, हस्बैंड का ब्रदर कौन है यहां पर, हस्बैंड का ब्रदर कौन हो, एस पॉसिबल है, एस पॉसिबल है. तो इसलिए आंसर विल बी क्या होगा बेटा, डी होगा. 66 के बाद 67, क्लियर? क्लियर? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट्स क्या दे रखा है 67 का. रोवान जेन्स जेवियर्स स्कूल का छात्र है और जेवियर्स स्कूल के सभी छात्रों ने डिक्टेशन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की. जेवियर्स स्कूल और इसके सभी ने डिक्टेशन ली, तो रेयान के भी डिक्टेशन के साथ उत्तीर्ण की, पहला सही है. तो यहां पर बहुत सिंपल है, तो फर्स्ट विल बी क्या है बेटा यहां पर, राइट राइट, क्योंकि रेहान जेवियर्स का, जेवियर्स के डिक्टेशन मिली है तो रेहान के भी डिक्टेशन मिली. फीस से कोई लेना देना नहीं है, अन्य किसी स्कूल से कोई कंपेरिजन नहीं है, ओनली फर्स्ट इज कंक्लूजन. तो आंसर विल बी क्या होगा, सी सी सी. अपनी मर्जी से किसी सेकेंड और थर्ड को रिलेट नहीं करना, केवल स्टेटमेंट्स में जेवियर्स स्कूल की बात कर रहा है और जेवियर्स स्कूल के सभी विद्यार्थी डिक्टेशन से पास हुए, तो रेयान भी डिक्टेशन के साथ ही पास हुआ है. क्लियर? ये सब चीज रेगुलर क्लासेज के अंदर कराई गई है, रेगुलर क्लासेज के अंदर. यहां मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, केवल सॉल्यूशंस करा रहा हूं. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर, नेक्स्ट 68, वही क्वेश्चंस आ चुका है. पहले सेल्स स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, क्लियर, फैक्ट्स दे रखे हैं और उनके भी आप पे अपन को जजमेंट लेना, जज करना है, ट्रू है, फेल्स है, अनसर्टेन है. क्लियर? वही है, पी के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है. सबसे पहले देखो, पी एक सेल्स कंपनी है, सेल्स कर्मचारी है और जो पेंशन सेल्स में काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल, पेंशन सेल्स में जो काम करेगा उसके पास इंश्योरेंस योग्यता है, तो पी के पास भी एक इंश्योरेंस योग्यता है. तो राइट आंसर विल बी क्या होगा यहां पर, ए होगा. राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए. 68 का राइट आंसर विल बी ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन डायरेक्शन का, इतना सिंपल आ गया, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप. क्लियर? तो टी टू टूवर्ड्स साउथ ऑफ सोनू, सोनू यहां पर टी टू ये रहा. क्लियर? रानू इज टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ सोनू, रानू यहां पे आ गया. तीन पर्सन, तीनों की पोजीशंस मालूम चल गई. इन विच डायरेक्शन इज टी टू विद रेस्पेक्ट टू रानू, इसके रेस्पेक्ट अपन को डायरेक्शंस निकालनी है दोस्त. ये वाली डायरेक्शंस कौन सी है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोले तो आंसर विल बी सी सी सी. आंसर बोले तो साउथ वेस्ट, आंसर विल बी सी. ओके, अब देखिए क्वेश्चंस जो आपके पेपर में मिस्टेक थी वो भी हम लोगों ने पकड़ लिया. देखिए आप, अब यहां पे बात करें, ये क्वेश्चंस पहले आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 70 पहले आ चुका है यहां पर. अब जो एरर है, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी बी के दाईं और दूसरा, ये एरर है, एरर है. हिंदी में कुछ अलग लिखा है और इंग्लिश में कुछ अलग लिखा है. ये दो क्वेश्चंस में एरर है, 70 में भी और 72 में भी. अब यदि बच्चों ने हिंदी के अकॉर्डिंग किए होंगे तो आंसर कुछ डिफरेंट होगा और इंग्लिश के अकॉर्डिंग किए होंगे तो आंसर विल बी डिफरेंट होंगे या प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बनेगा. यहां लिखा डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड लेफ्ट ऑफ बी,
डी बी के दाई वो दूसरा है, गलत। डी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, यहां डी बी के दाई और दूसरा, गलत। यहां डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। अपन अंग्रेजी के अकॉर्डिंग करेंगे और इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही अपन आंसर निकालेंगे। ये दोनों चीज मैंने आपको बता दी, ये एज इट इज पेपर की पीडीएफ है, एज ए स्कैन करके जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। ओके, ये मैंने आपको बताया जहां एरर डिफरेंट, दोनों में अलग अलग हैं। अपन अंकोडिंग इंग्लिश करें तो डायग्राम वही बनेगा जो पहले अपन ऊपर डिस्कस कर चुके, पहले भी क्वेश्चन आ चुका, 8 आदमियों का है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखे एच ई के दाई ओर से तीसरा है, कौन एच, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो निकटतम डी का निकटतम पड़े, जो बोल ई ई डी का निकटतम पड़े, डी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां पे अगर आगे बात करें, क्लियर। ई सी के दाई ओर दूसरे स्थान, ई सी के दाई ओर दूसरे स्थान पर है, क्लियर। तो सी यहां पे आएगा, बी जी के ठीक बाई ओर है, कौन बी जी के ठीक बाई ओर है, क्लियर। बी इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, डी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड लेफ्ट। ओके, बचे कौन कौन, एफ और ए, एफ और ए, क्लियर। अब क्वेश्चन में पूछा ए और एफ के बीच में कितने आदमी, दो वे हैं, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाते हैं 3, 4, 5, 6 और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो कोई नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 0, ए शून्य आंसर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश क्लियर हुआ। जो मैंने आपको बताया जो डिफरेंट था वो भी मैंने, एक और क्वेश्चन है सेम जहां पे इसी तरीके के क्वेश्चंस के अंदर चेंजेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, ये अपना 70 नंबर क्वेश्चंस था, 71 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां पे डायग्राम बनाए ब्लड रिलेशंस, तो ब्लड रिलेशंस यहां बनाए, एक्स पी का भाई है, भाई है तो मेल, मेल है तो प्लस, पी का भाई है सेम, पी वाई की पुत्री है, पुत्री है तो फीमेल, किसकी, एक जनरेशन नीचे, जेड क्यू की ननद है, जेड आया नहीं क्यों नहीं आया, आर जेड का भाई है, वाई जेड की बहन है, वाई जेड की बहन है, अब वाई जेड की बहन है, जेड क्यू की ननद है, जेड क्यू की ननद है, आर जेड का भाई है, आर जेड का भाई है। अब यहां पे जेड क्यू की ननद है, अब ननद है जेड किसकी, क्यू की, अब क्यू की ननद है जेड, क्यू की ननद, ननद किसकी होगी, इसकी भाभी की, तो क्यू किसकी पत्नी बनेगी, यहां पर आर की भी बन सकती है और वाई की भी बन सकती है, आर की भी बन सकती है और वाई की भी बन सकती है। अपन ने आर को क्यू की पत्नी बनाया, जेड क्यू की ननद है, क्लियर हुआ, आर जेड का भाई है और आगे पी वाई की पुत्री है। तो यहां पर आगे धीरे धीरे बढ़ रहे, आर का पी से, ये मैं, ये मेरे फादर, फादर की बहन, बुआ, बुआ की बहन, भाई मामा, तो इसका आंसर आएगा अंकल, अंकल, क्लियर, मामा, मैटरनल अंकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाँ सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, वही चीज जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई, वही प्रॉब्लम्स यहां पर है। यहां पे एरर्स क्या है, बी इज ऑन द, डी इज द सेकेंड लेट ऑफ बी, ये वाली है, और यहां पे कह रहा है डी बी के दाई ओर दूसरा है, दाई ओर, ये दोनों मिस्टेक्स है। और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अपन करेंगे, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अपन आंसर करेंगे, तो डायग्राम अपना ये बनेगा, डायग्राम मैं बना देता हूं, जो डायग्राम अपना यहां बन रहा है, क्लियर। अब डायग्राम अपन ने बनाया ई बी जी एच ए एफ सी और डी, ये मैंने आपका डायग्राम बनाया। अब ये डायग्राम बनाया, इसके भी आप पे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ए के बाएं पांचवा कौन है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ, डी। अब लेफ्ट अपन को निकालना है, लेफ्ट निकालना है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, डी, और डी कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में,
कौन से ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सी। ओके नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चंस, अगेन एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, उसका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट्स का। ये इंस्ट्रक्शन पहले भी आ चुके हैं, अब की बार क्वेश्चन में चेंजेज पूछा है, क्वेश्चंस वही है, डायग्राम पहले आ चुका है, आठ ही आदमियों की बात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, वही डेफिनेट इंफॉर्मेशन का डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पे के एल पहले भी आ चुका है, जो क्वेश्चंस नंबर 62 के अंदर यूज हुआ है, सेम क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चंस। तो यहां पे के एल क्यू जे एन एम पी और ओ, ये अपना डायग्राम बनेगा। फिर पूछा एन के दाईं ओर पांचवा कौन है, एन के दाईं ओर बोले तो यहां पे एंटी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एल, और एल बोले तो आंसर कौन सा है, बी पी। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर फॉर 73 नंबर क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन की बात करें, 74 नंबर पहले आ चुका है, उसी के बिहाफ पे अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्स पी का भाई है, कौन भाई है, एक्स किसका भाई है, पी का भाई है, पी वाई की पुत्री है, पी वाई की पुत्री है, जेड क्यू की नदी, आर जेड का भाई है, वाई जेड की बहन है, वाई जेड की बहन है, आर जेड का भाई है, आर जेड का भाई है, जेड क्यू की ननद है जेड। अब जेड क्यू की ननद है तो क्यू यहां पे आएगा, और ननद है तो क्या आएगा, फीमेल आएगा, फीमेल। क्लियर। तो एक्स की माता कौन हुआ, एक्स की माता वाई, एक्स की माता कौन हुआ, वाई, पी वाई की पुत्री है, यहां पे लिखा है वाई जेड की बहन है, तो यहां पे कौन आएगा बेटा, डी। तो एक्स की माता कौन बनेगी, वाई बनेगी, और वाई कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, हाँ डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग का आपको एक स्टेटमेंट्स दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखा है, पी क्या एक सम संख्या है, इससे निकाल सकते हैं क्या, नहीं, क्या इससे निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। अब दोनों को मिला के निकाल सकते हैं, नहीं, तो यहां पे आएगा सी, थ्री ऑप्शंस। क्लियर। तीन नंबर देना कथन एक और दोनों मिला के समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, सॉरी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, फोर्थ नंबर। तो 75 का राइट आंसर आएगा फोर्थ, डी, दोनों टेकन मिला के भी आंसर देने के लिए सफिशियंट नहीं है। डेटा सफिशिएंसी के खूब सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। सम संख्या तीन का गुणज है, अब तीन का गुणज तो 9 भी है, क्या सम संख्या का मालूम चल रहा है, नहीं। पी के तीन फैक्टर्स है, को जरूरी है दो एक सम संख्या, इसके तीन फैक्टर हैं, गलत। क्लियर। तो इसलिए दोनों को मिला के भी अपन आंसर नहीं निकाल सकते। 76 नंबर की अपन बात करें, ढंग से पढ़ना, यहां पर एक फैक्ट्स दे रखा है और कंक्लूजन अपन को निकालना है, कंक्लूजन अपन को निकालना है। एम एक फ्लैट में रहती है, अच्छी बात है, जिसका बीमा नहीं किया गया, बैरू रोड के सभी फ्लैट का बीमा प्रीमियम कवर के साथ है, गुड। श्रीमान श्रीमती जे ने फ्लैट का बीमा प्लेटिनम रिस्क के साथ भी साथ करवा है, अब ये प्लेटिनम रिस्क के साथ करा है, क्लियर। ये अपन को फैक्ट दे रखा है। अब यहां पे एक यहां पे दे रखा है, डब्लू बैरू रोड के एक फ्लैट में रहती है, कौन, डब्लू की बात है। तो डब्लू के फ्लैट का बीमा, अब बैरो रोड पे रहती है तो प्रीमियम कवर के साथ है। अब प्लेटिनम इसके के साथ कवर है, ये कोई मालूम है, प्रीमियम कवर के साथ है ये तो मालूम चल रहा, बट यहां पे प्लेटिनम इसके साथ कवर है क्या ये मालूम है क्या,
नहीं कह सकते, नहीं बता सकते, तो अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन, अनिश्चित है, बता ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो 76 का राइट आंसर सी, 77, 77, वही डिसीजन मेकिंग। क्लियर हुआ? इनका औसत निकालना, इनका औसत कब निकालेंगे, जब अपन को ए और बी का मान मालूम चलेगा। खाली इससे निकाल सकते हैं? नहीं। खाली इनसे निकाल सकते हैं? नहीं। क्लियर? नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को मिला के निकाल सकते हैं? यस, दोनों को मिला के निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी, सी, सी। अपन को आंसर नहीं बताना, केवल इतना बताना है कि सफिशियंट है या नहीं। तो आंसर विल बी क्या आएगा? 3। दोनों को यूज करके अपन इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 77 के बाद बात करें, 77 के बाद 78। अब ये अपना डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है? देखिए यहां पर, दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में सुरक्षा अधिकारी के लिए, क्लियर, एक पद रिक्त है और निम्न शर्त होना आवश्यक है। पहली शर्त एज की, यदि कैटेगरी में आता है तो उसका एज लिमिट बढ़ जाता है। आवेदक स्नातक होना चाहिए और एक सेवारत कर्मचारी होना चाहिए। दोनों शर्तों को पूरा आवेदन करने के लिए रिटन एग्जाम में बैठेंगे और उसे पास करना होगा। अब यहां पे जो आवेदक लिखित जांच उत्तीर्ण करेगा उसे फिजिकल होगा, मेडिकल चेक में भाग लेना होगा, मेडिकल में जो फिट पाया उसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। किसके लिए कॉल किया जाएगा बेटा? इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर आगे कह रहा है यहां पर, अंतिम चयन के लिए उसे इंटरव्यू साक्षात करने के लिए अंतिम चयन उसे उत्तीर्ण करना होगा। आवेदक जिसने पहले किसी सुरक्षा अधिकारी के रूप में, सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम किया है तो उसे अंतिम साक्षात्कार के लिए सीधा चयन बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा। जो ये सारी शर्त पूरी कर रहा है तो उसे स्वीकृत कर लेंगे, जो नहीं कर रहा उसे अस्वीकृत कर देंगे। अब देखो यहां पे इंफॉर्मेशन, 2003 को 37 साल का उम्र की है, मेडिकल में चेकअप में पास कर लिया, ये पास नहीं हुआ, इंटरव्यू पास नहीं हुआ, ग्रेजुएशन तो कर रखी है एमएससी की डिग्री, बट इंटरव्यू पास नहीं कर सका, और इंटरव्यू पास नहीं कर सका तो रिजेक्ट कर दिया। तो आंसर क्या आएगा? बी, बी, बी। आंसर क्या आएगा? बी। यदि वो यहां पर कुछ सिलेक्शन कर्मचारी होता तो चयन बोर्ड के पास भेजा जाता, अदरवाइज यहां पे वो फेल हो गया, इंटरव्यू में पास नहीं कर सका। अब इंटरव्यू में पास नहीं कर सका तो इसलिए वो क्या होगा बेटा? फेल होगा, फेल होगा। क्लियर? ओके। सुरक्षा अधिकारी रूप में भी चयन नहीं किया। 79 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, 79 नंबर क्वेश्चन। अब 79 नंबर्स की बात करें, पेंसिल सेल्स में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के पास एक इंश्योरेंस योगदान, वही आ गए, डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के पास एक इंश्योरेंस योगदान है, केवल पेंशन बेचती है तो उसके पास सेल्स कर्मचारी हैं, और पेंशन सेल्स बेचती है, पेंसल पेंशन बेचती है, सेल्स का मतलब बेचती है, तो यहां पे होगा। तो ये क्या है बेटा? सही, सही, सही बोले तो आंसर विल बी ए, ए। क्लियर? तो इसका कंक्लूजन अपना जो निकल के आएगा वो ए निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन, आगे कह रहे हैं, श्रीमान श्रीमती जी ने फ्लैट का बीमा प्लेटिनम रिस्क के ऊपर करा है। अब ये बैरो रोड पे नहीं रहते, आपको क्या मालूम भाई? प्लेटिनम रिस्क प्रीमियम कवर के साथ बीमा, फ्लैटों का बीमा, क्लियर, बीमा नहीं किया हुआ, बैरो में बीमा, फ्लैटों को बीमा प्रीमियम कवर के साथ है, पर इनका तो अपना प्लेटिनम रिस्क के साथ है। अब बैरो रोड पे रहते हैं ये कैसे कह सकते हैं? नहीं रह सकते, ये भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो आंसर विल बी सी, सी,
सी, इसका आंसर क्या आएगा? अनसर्टेन। अगला देखिए 81, ये डेटा डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, क्या है? नौकरी पी, नौकरी पी के लिए अधिकतम उम्र कितनी हो सकती है? 30 एज। 10th क्लास के मार्क्स कितने से ज्यादा होने चाहिए? 50 से अधिक। और अनुभव एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए? कम से कम 3 साल का। और क्यू के लिए, क्यू की कंडीशंस 25 साल, 60% और कम से कम 1 वर्ष का। वेन की 10वीं में 52 आए, इससे रिजेक्ट हो गए, इसमें चल रहा है, उसकी उम्र 27 से चलेगा बट अनुभव नहीं है तो इससे भी रिजेक्ट हो गई। तो यहां न तो पी ना ही क्यू, डी आंसर। वेन के पास पी नौकरी के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं है और क्यू नौकरी के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं है। पी के लिए 30% एज होनी चाहिए, 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा है। एज यहां पे बात करें कम से कम यही है, यहां पे लिखी है अधिकतम उम्र चलेगा बट एक्सपीरियंस में कम से कम लिखा हुआ है, लिस्ट लिखा हुआ है और उसके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं तो इसलिए वो रिजेक्ट हो। 81 के बाद 82। अब यहां पे बोला गया फरीद के कितने पुत्र, ये निकालना है, बेटियों से कोई लेना देना ही नहीं। फरीद की 4 बेटियों में से हर एक के 2 भाई हैं, हर एक के 2 भाई हैं, 4 बेटियां, हर एक के 2 भाई हैं, ये तो फिक्स हो गया तो इससे निकाल सकते हैं और बाकी किसी से अपन निकाल नहीं सकते। ओके, तो इसका आंसर आएगा बी। क्लियर, डिसीजन का था। 83 डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, डायरेक्शंस में डिस्टेंस पूछी आपने, डायग्राम बनाओ। सोनू ने दक्षिण की ओर 20 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर, फिर उसने बायां मोड़ लिया 15 मीटर चला। क्लियर, फिर वह एक दाया मुड़ा 10 मीटर चला। क्लियर, फिर अंत में एक दाया मोड़ लिया और 35 मीटर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आ गए। तो यहाँ की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच में, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? 10 और 30, 10 + 30, तो आंसर कितना आएगा? 40 मीटर। आंसर विल बी सी होगा। क्या होगा बेटा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, ये भी क्वेश्चन डायरेक्शंस का ही है, डायरेक्शंस का क्वेश्चन। तो डायरेक्शंस के क्वेश्चंस की बात करें, उत्तर की ओर 20 मीटर गया तेजस्विनी, उसने दाएं मुड़कर 25 मीटर दूरी तय की, फिर बाईं ओर मुड़ा 10 मीटर दूरी तय की, फिर एक बायां मोड़ लिया, सॉरी अगेन जस्ट मिनट्स, तेजस्विनी एक उत्तर की ओर 20 मीटर चला, फिर उसने दाएं मुड़के 25 मीटर की दूरी तय की, बायां मुड़ा 10 मीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया 25 लिया, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 5 मीटर। चलिए, तो अंत में मैं किस दिशा की तरफ? ये दिशा, तो आंसर क्या आएगा? साउथ। किस दिशा की ओर फेस कर रखा है? साउथ की ओर बढ़ रही थी, दैट इज कॉल्ड साउथ। लास्ट क्वेश्चंस 85 क्वेश्चंस। जोसेफ के 3 पुत्रियां हैं, तो सबसे पहले माइंड में यही आ गया, जोसेफ मेल है या फीमेल? जोसेफ। क्लियर, बट यहां ये नहीं बताया जोसेफ मेल है या फीमेल। अब ये आप पे डिपेंड है, 3 पुत्रियां हैं, ये लो पुत्रियां बोले तो फीमेल, और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है। घर के अंदर और कोई भी सदस्य है? नहीं बताया। और परिवार में केवल यही सदस्य। तो पुरुष सदस्य कितने? 1, 2, 3 का तो कंफर्म हो रहा है। अब जोसेफ का मालूम चल रहा है क्या मेल है या फीमेल? अब ये क्लियर नहीं हो रहा, तो बाई डिफॉल्ट जोसेफ का क्या मानना पड़ेगा? मेल।
आंसर क्या होगा? ए, अकॉर्डिंग टू नेम भी अपन सोच सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेम, क्लियर? अकॉर्डिंग टू नेम, तो आंसर विल बी ए होगा। तो ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 की वैकेंसी का पेपर था, जो 2020 में हुई 16 अप्रैल को, और उसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराया रीजनिंग का। ओके गाइस, थैंक यू। जो मैंने मैराथन में भी कराया था एज इट इज, उसी टाइप का पेपर्स आपको देखने को मिला। थैंक यू। तो आइए 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। कह रहा है पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है। अब ये पंचेत हिल क्या है? तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है और ये है बॉस कहां पर? झारखंड, झारखंड में, झारखंड में है पंचेत हिल, और झारखंड में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिस पर यह बनाया गया। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी नदियां झारखंड में है। लूनी नहीं है, कृष्णा नहीं है, महानदी नहीं है। राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर क्या है? ए, दामोदर नदी पर ये पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है, जिससे वाटर की सप्लाई और साथ में हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्लांट भी चलता है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या है? 86 का राइट आंसर ए, दामोदर नदी और राज्य झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है बॉस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी है, आप सभी लोगों को इसका पता होगा। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? मतलब वो कौन से इसके दरबारी थे जिन्होंने भू राजस्व लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मजबूत किया था, और फाइनेंस मिनिस्टर थे, सीधे सीधे कहें तो फाइनेंस मिनिस्टर। अब आपको आंसर पता चल गया होगा, बीरबल दरबारी कवि थे, राजा मानसिंह सेनापति थे, खयाम तो आज के डेट में है जो गीत वीत लिखा करते थे, ठीक है। राइट आंसर ही सी, राजा टोडरमल। इन्होंने ही आपको मालूम होगा 1580 ईस्वी में मनसबदारी या दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत करी थी, ठीक है, राजा टोडरमल के द्वारा। और राजा टोडरमल ही फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, जिन्होंने दहशाला बंदोबस्त और ये नई व्यवस्था फाइनेंस मिनिस्टर, ये राजभू राजस्व प्रणाली की शुरुआत करी थी। तो राइट आंसर इज सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करेंट से है बॉस, काफी पुराना है, 2020 का, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं। ये कह रहा है अक्टूबर 2020 में साइंटिस्ट थे डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, इन्होंने किताब लिखी थी, विश्व प्रसिद्ध किताब थी, साइंटून पुस्तक का नाम, साइंटून पुस्तक इन्होंने लिखी थी, उसका नाम क्या है? तो आप जानते हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जो है इंडियन ड्रग कंट्रोल, मतलब ड्रग रिसर्च जो सेंटर है लखनऊ में, वहाँ के एक फेमस साइंटिस्ट हैं, जियो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था बाय बाय कोरोना, ठीक है, बाय बाय कोरोना किताब लिखी थी, साइंटून पुस्तक थी, ठीक है, जिसमें कोरोना को हम कैसे भगा सकते हैं, कोरोना से कैसे दूर रहेंगे, कोरोना से कैसे बचेंगे, इस पुस्तक में इसका लिखा गया था, और काफ़ी प्रचलित वर्ल्ड फेमस बुक बनी थी ये, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, 88 का राइट आंसर क्या है? बी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी करेंट का क्वेश्चन है बॉस, 2020 का ही है। 2020 में आप देखेंगे इनमें से एक स्टेट ने ये एक नया बिल पास किया था, और उस बिल का नाम था कि आप देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजनल बिल्स, मतलब का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक 2020 नाम था, ये जारी किया था आप देखेंगे आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अब ये है क्या? तो आप देखेंगे हर लेवल पर, पंचायतों पंचायत लेवल पर आप देखेंगे, बूथ आप देख पंचायत के स्तर पर, फिर आप देखेंगे वार्ड के स्तर पर, सबको अलग अलग पावर दिया जाए और वो इंडिपेंडेंट होके काम करे, ऐसा राइट्स, ऐसे राइट्स लाने के लिए एक बिल लाया था आंध्र प्रदेश सरकार ने 2020 में, जिसमें सभी लोगों को अपने अपने तरीके से अपने लेवल पर काम करने और डेवलपमेंट विथ बॉटम टू टॉप की बात की गई थी इस बिल में, तो ये लाया था आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ए। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन एक थे, मतलब जो मिडाइवल पीरियड में जो भक्ति मूवमेंट्स था उसमें कौन पॉपुलर संत थे? तो आइए देखते हैं, इसको मैच करते हैं। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, ये तो आधुनिक भारत के हैं, स्वामी विवेकानंद ये भी आधुनिक भारत के हैं, कालिदास ये तो भाई गुप्ता पीरियड के हैं, प्राचीन भारत के। अब कौन बचा? शंकराचार्य। राइट आंसर इज ए।
आप देखेंगे 700 से लेके 750 तक केरल में आप देखेंगे इनका इनके इनका भक्ति आंदोलन चला था और ये अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, जो एक फिलॉसफी है जो ज्ञान देती है कि भाई भगवान में कोई द्वैत नहीं है, बस जो एक चीर शक्ति है वो है। तो इस टाइम में केरल में शंकराचार्य ने मध्ययुग टाइम पीरियड में ये भक्ति आंदोलन चलाया था। तो राइट आंसर इज ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है बॉस कि इनोविड टेन क्या है। तो ये कह रहा है कि ये गर्भ निरोधक गोली थी व्यावसायिक रूप से, या अमेरिका का पहला घरेलू रोबोट था, या जापान का बुलेट ट्रेन, या IBM द्वारा विकसित ये मिनी कंप्यूटर था। इसका राइट आंसर है ए, ये दुनिया में पहली व्यावसायिक उत्पादित गर्भ निरोधक गोली थी, पिल्स था, जिससे हम आप देखेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पहला कमर्शियल टैबलेट जारी किया था अमेरिका ने, जिसमें जिसके थ्रू हम आप देखेंगे अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर 91 का ए है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 92 कहता है जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है। मतलब आप जानते हैं कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ग्रेविटेशन की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ खिंचाव होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर है बी, सकारात्मक जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बानबेर का बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है निम्नलिखित प्रसिद्ध गायकों में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण अभी 2021 में दिया गया। पद्म विभूषण, तीन तरह की श्रेणी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री सबसे नीचे और पद्म विभूषण सबसे ऊपर होता है ये अवार्ड। तो हाल ही में एक फेमस आप देखेंगे संगीतकार सिंगर जिनकी डेथ हुई है और बहुत सारी मूवी और गाने आपने उनके सुने होंगे, जिसमें एक गाना वो भी है मैंने प्यार किया का, ठीक है। अब नाम आपको याद हो गया, भूपेन हजारिका तो बहुत पहले मर चुके हैं, उनको बहुत पहले मिल चुका है। वाजिद खान ये तो भाई म्यूजिशियन नहीं है, TM सौंदराजन भी नहीं। राइट आंसर इज सी, SP बाला सुब्रमण्यम, नाम सुना होगा आपने, जिसमें हम आपके हैं कौन और बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं, SB बाला सुब्रमण्यम, जिनकी 2021 में ही डेथ हुई थी और डेथ के बाद उनको सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये पेज रिपीट हो गया है। आइए अब हम बात करते हैं 93 कर लिया था हमने, 94 की बात करते हैं। 94 क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में स्थित है, किस श्रृंखला में गॉडविन ऑस्टिन की श्रृंखला स्थित है जी। तो आप देखेंगे 94 का अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर है बॉस सी, 94 का आंसर है सी, ठीक है। सी का काराकोरम श्रेणी में ये K2 गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि अल्जाइमर रोग में मानव के कौन से शरीर का हिस्सा प्रभावित होता है। अल्जाइमर आपने सुना होगा, बुजुर्गों में ये बहुत बीमारी होती है, मतलब ओल्ड एज में उनको एक भूलने की समस्या होती है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं होता। आपने वो मूवी भी देखी होगी उसमें जो, अरे कौन सी मूवी है जो उस पर बनी थी, देखो मैं ही भूल गया, उस मूवी में हीरो की जो मदर है उनको अल्जाइमर की बीमारी होती है, भूलने की बीमारी, उनको याद ही नहीं रहता कि मेरा बेटा कौन है और क्या है, ठीक है। तो इसको हम बोलते ये कहाँ किस दिमाग किस पार्ट को प्रभावित करता है, उसको हम बोलते हैं मस्तिष्क, ब्रेन को, ठीक है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको मालूम होगा कि सुशील चंद्र जो हैं इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, पिछले साल। राइट आंसर इज ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड को भी
का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो आपको मालूम होगा कि 2019-20 के करीब में यहाँ पर भी चाइना ने इस एरिया को एनक्रोच करने की कोशिश करी थी और वहाँ भी विवाद हुआ था लद्दाख से पहले। तो वो है बॉस नाथुला दर्रा, जो भारत और तिब्बत के बीच एक पासेस है दर्रा, जिससे हम तिब्बत जाते हैं और उधर चाइना को लिंक करते हैं। तो नाथुला दर्रा इज राइट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 98 बॉस, आप देखेंगे करेंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है और दूर संचार टेलीविजन प्रसारण आदि को सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है बॉस, आप देखेंगे डी, इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार टेलीविजन प्रसारण की सेवाओं को प्रोत्साहन देना था। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, इनसेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है जी, तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा एस बैंड सिंथेटिक एपचर रडार उपग्रह है जो फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग, आइस कवर निगरानी, बाढ़ और विविधा निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, नोवासार। ये एक नए प्रकार का आप देखेंगे बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार है जो आप देखेंगे बहुत ही क्लियर मैपिंग करता है और साफ साफ तस्वीरें भेजता है। तो इसको हमने लॉन्च किया नोवासार को, जो बाढ़ आपदा निगरानी और भूमि मैपिंग भी करेगा। तो राइट आंसर इज सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। 100 क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है बॉस, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 101 साइंस का क्वेश्चन है। ये कह रहा है भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी, परमाणु ऊर्जा उत्पाद संयंत्र है, एटॉमिक एनर्जी जो प्रोडक्शन यूनिट है वहां पर भारी जल का इस्तेमाल, हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर इज डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 102 ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है। विरूपाक्ष मंदिर कह रहा है, ये बॉस राइट आंसर इसका डी है, हम्पी। हम्पी कहां है, तो कर्नाटक में। ये विरूपाक्ष देवता के नाम पर इसको स्थापित किया गया, बहुत ही फेमस है हम्पी का, कर्नाटक में स्थित हम्पी। तो राइट आंसर इज डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 103 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। तो आप जानते हैं कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे जिसका अध्यक्ष था सर जॉन अल्सबुक साइमन, जिसकी अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया था जो भारत में शासन करने के लिए एक कमीशन बनाई गई थी। लेकिन 1928 में जब ये कमीशन भारत आया तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और मजबूरन इस कमीशन को वापस जाना पड़ा। तो राइट आंसर इज डी है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 ये कह रहा बॉस कि वैज्ञानिकों ने मानव जाति के सबसे पुराने स्तनधारी की पूर्व के अवशेषों की खोज की, जिसका नाम दुरलस्टोथेरियम न्यूमनी, जो 145 मिलियन वर्ष पहले जीवित था, इस संबंध में सही विकल्प चुने, कौन सा विकल्प है। तो आप देखेंगे अगर इसकी बात दुरलस्टोथेरियम न्यूमनी की, तो ये चूहे आकार की एक छोटी सी स्तनधारी प्रजाति थी जो सबसे पहले मनुष्यों की पूर्वज, मतलब सबसे पहले 145 मिलियन पूर्व ये हमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ए, चूहे की तरह एक प्राणी था जो उस समय हमें मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 105 ये कह रहा है जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वो 34वीं एनआई इन्फेंट्री के वो जवान थे, सोल्जर्स। अब ये 34वीं एनआई इन्फेंट्री का संबंध किस आप राज्य से है या किस प्रांत से था। तो इसका राइट आंसर है सी, बैरकपुर। बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, यहीं पर इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और पहला जो सिपाही विद्रोह है वो बैरकपुर में ही हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे भारत में फैला और फिर आप देखेंगे यहाँ मेरठ के सैनिकों को बंद कर दिया गया जिन्होंने जेल तोड़ के आगे अटैक किया। तो इसका राइट आंसर है सी, बैरकपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 106 ये क्या कह रहा है भाई, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेटर है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए,
फ्रेयॉन, फ्रेयॉन का उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। राइट आंसर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था। बॉस दिल्ली का पहला सुल्तान, तो आपको मालूम होगा कि 1206 ईस्वी में भारत पर दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और गुलाम वंश की, और इस गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जिसको हम दिल्ली का पहला सुल्तान कहा जाता है। तो राइट आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा और 1210 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई घोड़े से गिरकर। तो राइट आंसर इज बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉस, पोंग बांध जो है ये कहाँ पर है। 108 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है बॉस ब्यास नदी पर है ये, हिमाचल में पोंग बांध। क्लियर, तो 108 का राइट आंसर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है, मतलब जो विटामिन घुलनशील नहीं है, मतलब घुल नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वसा घुलनशील नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का इस्तेमाल किया गया था, जो गिद्धों के लिए घातक सिद्ध हुई और गिद्ध उससे बहुत ज़्यादा मरने लगे, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी। तो इसका राइट आंसर है डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक दर्द और कुछ वायरस को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये पहले जानवरों में इस्तेमाल किया गया और इसके इस्तेमाल के बाद गिद्धों की जो संख्या है वो 60 से लेकर 90% तक कम होने लगी। बहुत तेजी से हमारे देश में गिद्धों की संख्या कम होने लगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी डाइक्लोफेनिक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 111, ये कह रहा है कि प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का संबंध किस विषय से है। तो आप जानते हैं भास्कर सेकंड, ठीक है, भास्कर सेकंड जो थे उन्होंने किताब लिखी थी गणित पर, लीलावती एक प्रसिद्ध संस्कृत का एक ग्रंथ है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। क्लियर, तो राइट आंसर इज सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन साइंस का है ये कह रहा है विटामिन बी से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, विटामिन बी से संबंधित कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, जो नींबू वगैरह में मिलता है, लेकिन ये विटामिन बी से संबंधित नहीं है, बाकी विटामिन बी से संबंधित है। तो राइट आंसर इज ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किसके बारे में पता लगाने के लिए आगामी मिशन है। बॉस ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो GSLV F10 है ये किस लिए, तो पृथ्वी की मैपिंग करने के लिए, पर्यावरण की जानकारी के लिए, बाढ़ की जानकारी के लिए। F10 मिशन ये एक लॉन्च व्हीकल है जो डिफरेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, तो ये मिशन फेल हो गया था 2019-20 में लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन गलत है बॉस ये कमीशन, क्योंकि इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है ये GSLV F10। तो ये क्वेश्चन गलत दिया है कमीशन ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, ये कह रहा है कि काशीबाई कनितारक की जीवनी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से MD प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, और वह पेशे में एक चिकित्सक के रूप में भारत में काम कर रही थी। तो इसका राइट आंसर है आनंदी गोपाल राव जोशी। आनंदी गोपाल राव जोशी जो हैं वो, उनका एक बेटा हुआ और वो बेटा 10 दिन बाद ही मर गया, जिससे उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ करना है, मैं डॉक्टरी पढ़ूंगी और समझूंगी कि भाई क्यों हुआ कैसे हुआ। तो ये गई, इनके पति ने सहयोग किया, अमेरिका गई और वहाँ से इंडिया की पहली MD करने वाली ये फिजिशियन है, आप देखेंगे आनंदी गोपाल राव जोशी। ठीक है, राइट, फिर आके इन्होंने इंडिया में ट्रीटमेंट किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के लिए एशियन की अध्यक्षता कर रहा है, 2021 के लिए एशियन की अध्यक्षता कर रहा है। अब देखिए पहले ही पेपर सेट हो गया और उसके बाद पूछा था, ठीक है, तो देखेंगे आप इसका राइट आंसर है ब्रुनेई। इसके पहले आप देखेंगे वियतनाम में ने किया था 2020 ने, वियतनाम में, और अभी 2022 में करेगा कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया करेगा, तो ये पहले से ही क्वेश्चन सेट था और इन्होंने उठा के पूछ लिया। इसका राइट आंसर है बी ब्रुनेई। ठीक है, नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है गगनयान अंतरिक्ष कार्यक्रम का संबंध किससे है बॉस? तो अभी आप देखेंगे ये बहुत प्रतीक्षित यान मिशन है, 2022 में लॉन्च होने वाला है। ये पहला भारत का स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें मनुष्यों को भी अब अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा। तो राइट आंसर इज सी है इसका, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 ये कह रहा बॉस नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई है खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा योजना की पहचान करें। तो आप जानते हैं कि अक्टूबर 2020 में ये मिशन शुरू किया गया था, वन कंट्री वन राशन कार्ड। इसका राइट आंसर सी है, वन कंट्री वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड। मतलब भारत के किसी भी राज्य में अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप कहीं भी रहते हैं वहां उस राशन कार्ड के थ्रू आप राशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा पोर्टेबल करके और डिजिटलाइज करके पूरा एक कंट्री एक राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था अक्टूबर 2020 में, और कहा गया कि नवंबर 2020 तक ये पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। राइट आंसर इज सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 ये कह रहा है 9 विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स लिए द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है जो धीमी गति इलेक्ट्रॉन के निरीक्षण करने की अनुमति देगा? तो इसका राइट आंसर है सी, 43 ऑटो सेकेंड। इस 43 ऑटो सेकेंड में ये इमेजिन लेगा और बेहतरीन आप देखेंगे उसकी तस्वीर निकालेगा जिससे हम उसको एनालिसिस कर सके कि वो क्या है। तो 43 ऑटो सेकेंड लेता है, राइट आंसर इज सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बाइकैमरल माइंड के सिद्धांत की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, जूलियन जेन्स ने पब्लिश किया था बाइकैमरल माइंड के सिद्धांत को, ठीक है। तो 119 का राइट आंसर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है हिमालय नेपालय, हिमालय नेपाल हिमालय, ठीक है। तो काली और तिस्ता के बीच जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं उनको नेपाल हिमालय कहा जाता है, क्लियर। तो ये थे बॉस 100 आपके क्वेश्चन 86 से 120 नंबर तक के, और इनके आंसर्स आपको मैंने बताए और इनके एक्सप्लेनेशन बताए। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपके स्कोर अच्छे होंगे। अगर जिनके भी अच्छे स्कोर हैं या जिन्होंने भी जितना किया है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि ये पता चल पाए कि आप इस पेपर में कैसे कितना परफॉर्म कर पाए, ठीक है। और क्या आप ये जानते हैं कि करेंट अफेयर का वेटेज आजकल बढ़ता जा रहा है, वो भी पुराने करेंट अब इन्होंने पूछ रखे हैं 2019-20 के, तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि मुझे लगता है ये पेपर पहले से सेट किया हुआ था और फिर इन्होंने अभी इस पेपर को ले लिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम लोग फिर किसी नए सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर गुड। आप लोगों का सभी का एग्जाम हो चुका है और आशा करती हूँ सभी का एग्जाम काफ़ी अच्छे से हुआ होगा। अब आप लोग इसी इंतज़ार में हैं कि हमें आंसर्स मिल जाए तो हम लोग चेक कर लें कि हमारा हमें कितना स्कोर किया है, राइट। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए हम लोग हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आप लोग चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। यस, तो हम लोग यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्कैनर रीड्स कैरेक्टर मार्क्स एंड कोड्स विद द हेल्प ऑफ अ लाइट सोर्स एंड दे आर यूज फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स इन पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये देखिए, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कौन सा स्कैनर प्रकाश शोस्त्र की सहायता से वर्ण अंक और कोड पढ़ता है और आपके जो एग्जाम्स होते हैं एग्जाम्स में चेक करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ हम लोग आंसर सीधा सीधा इसको देख के पता लग रहा है कि OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन, OMR शीट जो होती है वो आपका इसमें आंसर होगा। यस, बी इज योर करेक्ट आंसर हियर, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है? यस, हम लोग जब कभी ईमेल करते हैं और लिखते हैं तो यूजर नेम और डोमेन को हमेशा सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एट द रेट का साइन यूज करते हैं। यस गाइज, वेरी गुड, यहाँ आपका जो आंसर होगा डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर हियर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 123,
Hangout is a communication platform that combines video calling, voice calling and text-based messaging into a single service when it is developed by. ये आपका Hangout किसके थ्रू डेवलप किया गया था? यस, ये Hangout आपका Google के थ्रू डेवलप किया गया था. तो यहाँ हम लोग बोलेंगे जो आपका आंसर है, यह आपका आंसर होगा बी. बी इज योर करेक्ट आंसर हियर. बी इज योर करेक्ट आंसर हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एक्सेल एवरी फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ. एक्सेल के अंदर हर एक फॉर्मूला आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्सेल में सभी फॉर्मूला निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू होते हैं? यस, इक्वल साइन. हिंदी में बात करें तो बराबर का चिन्ह. यस, ए इज योर करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं यहां पर. इन एमएक्स एक्सेल व्हाट डज द ऑप्शन मर्ज अक्रॉस डू. देखिए यहां पर जो आपका आंसर होगा सी इज योर करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि व्हेन अ मल्टी रो इज सिलेक्टेड, यहां पे बहुत सारी रो एक्सेल सेलेक्ट की जाती है, दिस कमांड क्रिएट्स मर्ज सेल फॉर ऑल द रोज. सारी रोज को एक ही साथ यहां पे मर्ज किया जाता है. सो सी इज योर करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम. रैम के बारे में क्या ट्रू नहीं होता? देखिए रैम जो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट दोनों ऑपरेशन के लिए काम आती है, बट जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है उसी के साथ ही सारा इसका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है. सो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू नहीं है? तो रैम स्टोर्स द डेटा परमानेंटली इवन इफ द कंप्यूटर शट डाउन. नो, जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो ये डेटा अपना क्या कर देती है, लॉस्ट कर देती है. सो ए इज योर आंसर हियर. क्लियर? हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी रैम के बारे में सही नहीं है? रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 127. इन एमएस वर्ड 2016 बाय डिफॉल्ट द हाइट ऑफ द ड्रॉप कैप लेटर एक्सटेंड टू. ड्रॉप कैप लेटर जो होता है वो आपका कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? तो देखिए 3 लाइंस इनटू द पैराग्राफ, 5 लाइंस इनटू द पैराग्राफ्स, 2 लाइंस इनटू द पैराग्राफ्स एंड 4 लाइंस इनटू द पैराग्राफ. यस, ये आपका आंसर यहाँ होगा 3 लाइंस इनटू द पैराग्राफ्स. हिंदी में बात करें पैराग्राफ में 3 लाइन तक यहाँ पर ड्रॉप कैप आपका एक्सटेंड करेगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी मस्ट बी कंटिन्यूअसली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा. यस, डेटा को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली रिफ्रेश कौन करेगा? स्टैटिक मेमोरी? नो, स्टैटिक मीन्स वो आपकी फिक्स होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो ये आपका नहीं करेगा. सेकेंड आपकी कौन सी आएगी? डी रैम यानी डायनेमिक रैम, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. रोम क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आपकी क्या है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी रैम होगा. राइट, हिंदी में बात करें तो यहाँ पर अगेन सी ऑप्शन दोनों के लिए सेम रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 129. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू प्रिंट वेरी लार्ज ड्रॉइंग और कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट बाय मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ अ पेन और अदर इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर. इसी क्वेश्चन को यदि हम लोग हिंदी में रीड करें तो निम्नांकित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरणों से कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो यस, यहाँ पर आपका जो पेन प्लॉटर होता है वो आपका आंसर होगा. तो यहाँ पे देखिए लाइन प्रिंटर नहीं होगा, इंकजेट प्रिंटर नो, स्कैनर नो. डी इज योर करेक्ट आंसर हियर. यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर होगा. क्यों? क्योंकि लाइन प्रिंटर आपका लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा, इंकजेट प्रिंटर एंड स्कैनर, स्कैनर आपका स्कैनिंग के लिए काम करेगा, और जटिल बड़े कॉम्प्लेक्स आपको सर्फेस को यहाँ पर करना है, वर्क करना है, तो आपका यहाँ पर पेन प्लॉटर आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ सर्विस दैट अलाउज द यूजर टू सेंड अ मैसेज इन अ इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप जब मैसेजेस करते हैं तब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होगा? ईमेल? यस, ईमेल इज योर आंसर. एसएमएस, स्पीड पोस्ट,
एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। देखिए आपको इंटरनेट के ऊपर करना है, क्या करना है, सेंड अ मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जब आपको करना है तो यहाँ पर ईमेल आपको यूज होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, नॉट अ एसएमएस, नॉट स्पीड पोस्ट, नॉट रजिस्टर्ड पोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? यस, ईमेल इज योर करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि यदि नेट नहीं होता तब भी आप एसएमएस कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस टास्क। बहुत सारे अलग अलग टास्क का यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है, सच एज प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस की स्केड्यूलिंग करना, एंड डेडलॉक को सभी को मैनेज करना। एंड जितना भी सारे डेडलॉक को मैनेज कर दिया एंड देन प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो सारी की सारी एक्टिविटी यहाँ कहाँ किस में परफॉर्म होती है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट, किस में होगी आपकी? यस, हियर इज योर करेक्ट आंसर इज योर प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या करेगा, जितने भी प्रोसेस है उनको क्रिएट करेगा, स्केड्यूल करेगा, डेडलॉक को मैनेज करेगा। After that, यदि प्रोसेस ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो उसे ये टर्मिनेट भी करेगा। नेक्स्ट, what does BCC stands for? Yes, बताइए BCC stands for यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 132। सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। यस, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यस, इसका क्या आंसर होगा आपका, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। C is your correct answer here, blind carbon copy. Yes, यदि मैं हिंदी में इसको देखूं, email में BCC का क्या अर्थ है, blind carbon copy, and here also blind carbon copy. Okay, ये हमारा question हो गया। Next question पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए which of the following is not an impact printer? यहाँ पर आपका impact printer कौन सा नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से आपका कौन कौन से जो है वो आपके यहाँ पर impact printer है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ड्रम इज योर इंपैक्ट प्रिंटर। यस, ड्रम हमारे यहाँ पर इंपैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स इंपैक्ट प्रिंटर है, एंड डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये आपका इंपैक्ट प्रिंटर है। तो कौन सा नहीं है, इंकजेट प्रिंटर जो होगा वो आपका इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट हाइडिंग इट्स एट्रीब्यूट बिहाइंड ऑपरेशन। ऑपरेशन के वक्त यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हाइड करना क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 135। यदि इसी को हम लोग हिंदी में रीड यदि करते हैं तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषताएं छिपाता है? तो देखिए, छिपाना कौन करेगा, छिपाने का काम यहाँ पर एनकैप्सुलेशन करेगा। क्यों, यदि आपके पास एक कैप्सूल है, मेडिसिन है, मेडिसिन का एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल आपके जो होते हैं केमिकल्स होते, क्या होते हैं वो सारे सारे कैप्सूल, उस कैप्सूल के अंदर सारे सारे केमिकल्स हाइड होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन, कैप्सूल के अंदर हाइड है। तो यहाँ जो आपका आंसर क्या होगा कि जितने एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के साइड क्या हो गए आपके, हाइड हो गए। तो बी इज योर करेक्ट आंसर हियर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज आर अवेलेबल इन ईमेल हेडर। यस, ईमेल के हेडर में कौन कौन से आपके पास अवेलेबल होते हैं, जब आप ईमेल यहाँ पर सेंड कर रहे होते हैं तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखा होता है, आपका यहाँ पर फ्रॉम वाला पार्ट होता है, किसके थ्रू आप सेंड कर रहे हो, देन नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, यहाँ पर टू का पार्ट होता है, दिस इज योर फ्रॉम, दिस इज योर टू, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। ये तीनों आपके हेडर में आते हैं। सो आपका आंसर देखिए, फ्रॉम, टू एंड सब्जेक्ट, 1 2 3, 1 2 3 आपके कौन से ऑप्शन में है, 1 2 3 ए ऑप्शन में। तो 136 जो है, 136 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर ए आंसर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्मेट शुड बी यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल डेटा। यस, एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए कौन सा यूज होगा, हाँ हमारा इसका आंसर होगा सी, साइंटिफिक के अंदर ये आपका यूज होगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में से कौन से एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाता है, साइंटिफिक। इन एमएस वर्ड टू सेट द गटर मार्जिन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन आर अवेलेबल इन द गटर पोजीशन बॉक्स। यस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर पोजीशन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स उपलब्ध है। यस, लेफ्ट एंड टॉप,
कौन सा उपलब्ध है आपके पास? लेफ्ट हैंड टॉप आपके पास उपलब्ध होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस अटैचिंग अ मैसेज टू अ मेथड एट रन टाइम। जब कभी हम लोग रन टाइम की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है वहां पर? डायनेमिक बाइंडिंग। यस, जब भी हम लोग यहाँ पर रन टाइम की बात करेंगे तो क्या आंसर होगा? डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग यहाँ पर अगेन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश देना है? तो डायनेमिक बाइंडिंग रन टाइम पर ही आपको संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेलेक्ट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यस, यदि एमएस एक्सेल की बात होती है और एमएस एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंस क्या होगा? डी इज योर करेक्ट आंसर हियर, A1 इज योर करेक्ट आंसर। अगेन एक्सेल का एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर फ्रेम हुआ है, इन एक्सेल शीट वर्ड प्रोसेसर वर्ड ब्राउज वेब ब्राउजर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। यानी एक्सेल शीट वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउजर किस प्रकार का उदाहरण है? यस, दिस इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं, सो दिस इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स इंटरनेट यूजर्स टू एक्सेस नेविगेट एंड सर्च वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स। हिंदी में देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने और नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम है? कुकीज नो, फायरवेल नो, डेटाबेस नो। यस, करेक्ट आंसर इज सी, मींस ब्राउजर इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम का जैसे ही नाम लिया जाता है तो बाइनरी किस पे वर्क करता है? जीरो एंड वन पर, यानी टू टर्म्स आपकी यहाँ पर यूज हो रही है, सो बेस टू नंबर सिस्टम। आंसर क्या होगा? जस्ट सी एंड टिक, हमें कंसेप्ट पता है बाइनरी का, तो यानी जीरो वन पर, तो क्या होगा? ये बेस टू संख्या प्रणाली पर वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इफ द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम द रिसोर्स एंटर अ वेटिंग स्टेट। रिसोर्स कोई वेटिंग स्टेट में है, समटाइम्स अ वेटिंग प्रोसेस इज नेवर अगेन एबल टू चेंज स्टेट बिकॉज द रिसोर्स इट हैज रिक्वेस्टेस आर हेल्ड बाई अदर वेटिंग प्रोसेसेस, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। हिंदी में क्वेश्चन को समझते हैं, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुदान करती है यदि उसी समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है, कभी कभी प्रक्रिया कभी भी वो अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती, यानी प्रोसेस जो है आपका वेटिंग स्टेट में और हमेशा उसी वेटिंग स्टेट में आपका रहता है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी एक प्रोसेस क्या कर रहा है, वो वेटिंग स्टेट में, और हमेशा क्या वेटिंग स्टेट में रहता है क्योंकि वो अलग रिसोर्सेज के थ्रू यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या इस टाइप की जो सिचुएशन आती है तो उसे हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? डेडलॉक। यस, दिस इज योर डेडलॉक इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल मीडिया साइट प्राइमरीली प्रोवाइड्स अ वे टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल अराउंड द वर्ल्ड एंड इज स्पेशली डिजाइंड फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज आइडियाज आर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यस, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में बात करते हैं, कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है? तो दिस इज योर लिंक्डइन, दिस इज लिंक्डइन इज योर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, विच ड्राइव इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क आर कॉल्ड प्लेटर्स। ओके, हिंदी में पढ़े तो हम लोग इस क्वेश्चन को कि देखिए कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो ऑप्शन यहां पर देखिए कौन से हैं आपके, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड स्टैटिक डिस्क ड्राइव। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर, हार्ड डिस्क ड्राइव इज योर करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सटेंड प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। जब प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क के अक्रॉस एक्सटेंड होता है,
enables user to send and receive data across shared or public network. This is called a virtual private network. Okay, this is your virtual private network. Which of the following function is done by the microphone device? Microphone device क्या करती है? ये जो आप बोलते हो उसको electronic में change करती है signals में. तो convert sound wave into electrical signals. ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने का ये काम करती है. Next, which one of the following is the binary equivalent of decimal number 147? तो यहाँ देखिए 147 का हम लोग डेसिमल नंबर 147 है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो 2 1 आंसर क्या होगा आपका, देखिए इसका 100 देन 100 देन 11. तो आंसर देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, ए इज योर करेक्ट आंसर हियर. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? यस, ईमेल का आपका फुल फॉर्म क्या होगा, एक्सट्रीम मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेल. यस, सी इज योर करेक्ट आंसर. तो इसी के साथ आपके बेसिक कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.